ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतिर् रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुतमंद मतीर्दयांग बराक। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह का तराजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुं
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ ठगर बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे पुतना को उन्होंने बध किया है। जब उन्होंने पुतना को बध की तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरे स्तनम दत्वा अपसद गति। कहते कृष्ण कितने दयाल इसमें बताए, जो पुतना जो अपवित्र रहने वाली बच्चों को खून पीने वाली राक्षसी और ठाकुर जी के लिए जो जहर लेकर के आई थी, लेकिन ठाकुर उनको क्या दिया, उनको गोलोक वृंदावन में उनको स्थान दे दिया। कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। जो भगवान को मारने के लिए आई थी अगर ठाकुर जी उसको इतनी उच्चा गति दे सकती हैं, कहते अगर कोई कृष्ण को भक्ति पूर्वक भजन करे फिर ठाकुर क्या नहीं दे सकते। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु। नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए। जब कर देने के लिए गए तो वसुदेव से मिले, वसुदेव नंद दो भाई लगते हैं, लेकिन श्री वसुदेव महाराज ने पता लगाया ये कंस ने पुतना को भेज दी जितने बच्चे कहीं जन्म हो उनको मारने के लिए। श्री वसुदेव ने कहा नंद ज़्यादा समय यहाँ मत रुका करो, हो सकता है तुम्हारी गोकुल में कुछ अनहोनी हो सकती है तेरे लाला के ऊपर में। तब श्री नंद बाबा भगवान नारायण को स्मरण करते हुए बोले हे नारायण तेरी कृपा से मेरे घर में बाल गोपाल जन्म लिया है, तू ही उसका रक्षा करो। सचमुच से जब गोकुल में आए ना देखा पुतना आ गई थी। बोले नंद तो बड़ा झूठी सी है, वो सही बता रहा था। फिर नंद बाबा ने बोला मैं था नहीं ना इसलिए अंदर में पुतना घुस गई। बोले खबरदार एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो। इतने में श्री भोले बाबा आ गए, शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। लेकिन ऊपर का शंकर का जो बेस है ना बड़ा भयंकर है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, छपवाने के लिए कोशिश नहीं करते। शंकर जी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री भोले बाबा, इनके बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं होता है। जब भगवान राम आए शंकर जी हनुमान बन करके आए, कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए वो हनुमान बन करके आए। जब कृष्ण रूप में आए फिर हम कल सुनेंगे शंकर जी कैसे गोपेश्वर बन करके प्रभु को लीला दर्शन करने आए। जब वो चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए फिर शंकर जी सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य बन करके भगवान को उन्होंने बुलाया जगत में। इसलिए शंकर जी हर लीला में शंकर जी प्रभु के साथ में रहते हैं।
अभी शंकर जी का बेस कैसे हैं? शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर क्रीम भी नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बभूत लगाते हैं। कहाँ के? शमशान के। बोले क्यों, क्या उनको कोई क्रीम नहीं मिला? नहीं, शंकर जी ये गुरु है। गुरु का काम क्या है? जीवों को ज्ञान देना है। कहते जिस शरीर को तुम इतने प्यार करते हो, प्रेम करते हो, जानते हो ये शरीर का परिणाम क्या है? एक मुठ्ठी राख बनने वाली। इसलिए शंकर जी शरीर में शमशान की राख मले हुए रहते हैं। और रहते हैं कहाँ पर? शमशान के पास में। बोले वहाँ पर क्यों रहते हैं? कारण क्या है? वहीं पर बैठ बैठ करके देखते हैं कैसे लोग राम नाम सत्य करते करते सबको लाते हैं और वहीं पर जला करके चले जाते हैं। इसलिए शंकर जी को पता चलता है भैया जगत में अगर सच्चा है ना, वो केवल कृष्ण राम का नाम ही सच्चा है। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी हर समय भगवान की नाम को ही हर समय जप करते हैं। इसलिए शंकर जी को सर को ऊपर में कौन सा फूल चढ़ाते हैं? कोई बेली, चमेली, जूही, ये सब फूल नहीं चलता है। कहते कौन सा फूल चढ़ाते हैं? कहते आकंद और धदुरा के फूल, जो फूल ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है। शंकर जी अच्छे अच्छे फूल क्यों धारण नहीं करते हैं? कारण है, कहते जितने अच्छे अच्छे फूल है वो मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ। जो फूल ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। शंकर जी के अलंकार क्या है? कहते शंकर जी कोई सोने चांदी हीरे जवाहरातों को धारण नहीं करते हैं। शंकर जी के सारे शरीर में देखना सर्प, गले में भी सर्प, कमर में भी सर्प, हाथों में भी सर्प, ये सर्प कौन है? कहते श्री अनंत देव। कहते ये अनंत देव कौन है? बोले शंकर जी के गुरुदेव है। इसलिए शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का जो हर श्रृंगार है वो केवल भगवान को लक्ष्य करता है, ठाकुर जी को। अभी शंकर जी देखा, ठाकुर जी का तो सारे लीला देखा, लेकिन वो भगवान होकर के हैं, जब उनको भूख लगता है रोते हैं ठाकुर जी, तभी मैया उनको दूध पिलाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले, अभी मैया उनकी अंगुल पकड़ा करके उनको ठुमुक ठुमुक करके उनको चलाना सिखाती है। ये लीला तो हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आए। लेकिन नंद बाबा ने कह दिया, पर देखो कोई एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, क्योंकि पुतना बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, लेकिन निकली किया और आंखें से निकली। इतने में जब श्री भोले बाबा आए सज धज करके, चौकीदार से बोले, बोले मैंने सुना है नंदक एक लाला भयो है। उसने भैया लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सधज करके आई थी, लेकिन निकली और आख्या सी। लेकिन तू तो बेहसे लग रहे हो, तेरे को देख करके तो मेरा जी घबरा रहा है। तब उन्होंने मैया जसोदा को बोले, बोले जसोदे एक कहीं एक संत आए हैं, वो लाला को दर्शन करना चाहते हैं। मैया देख करके तो डर गई। बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैंने सुना तेरे घर में कि लाला भयो है, थोड़ा लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा लाला को दर्शन नहीं होएगो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदरी सज कर आई थी, और तू तो देखने में तेरे को देख कर मेरा ही जी घबरा रहा है। इसलिए जो सोना चांदी जो कुछ मांगते हो लो और अपना रास्ता देखो। बोले अगर लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, यहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाऊंगो, जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे जाऊंगा नहीं। मैया जसोदा बोले मेरे एक दरवाजा नहीं, मेरे चार ही दरवाजा हैं। शंकर जी बोले चार ही दरवाजा में बैठ जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले मेरे 11 रुद्र है, मैं सारे दरवाजा में एक एक रूप लेकर बैठ जाऊंगा। जब लाला बाहर निकलेगा दर्शन करके तब जाऊंगा। मैया तो लाला को लेकर के घर की कोने छुपा दी और शंकर वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गई और बैठ करके
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण भक्तवत्सल है। अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण ने रोना प्रारंभ की। मैया जितने थपथप लगा करके उनको सुलाने के लिए कोशिश करी, लाला तो उतना तेज ही रोते जाए। बोले लाला को आज क्या हो गया, रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है। एक गोपी ने बोले मैया जो बाबा है ना वो दरवाजा बैठा हुआ और आंख बंद करके लगता है कोई मंत्र जप कर रहा है, लगता है लाला के ऊपर कोई जादू सुना उसने कर दिया। वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो यहाँ से मैं हटने वाले नहीं। अरे मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, वहाँ काला की बूंद लगा दी, बड़े कष्ट से लाला को लेकर के आती है। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, ले दर्शन कर। जब उन्होंने एक झलक दर्शन कराए, अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण तो खिलखिला करके हंसना शुरू कर दिया। शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी तो रोना शुरू कर दिया। मैया बोले भैया कमाल है, गये लगता है ये बाबा कुछ जानता है, क्यों लाला का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जादू टोना नहीं तो हाथ देखना जानते हैं, देखना माताएं घेर जाती। बोले बाबा मेरे हाथ देख लो, हैं इतने में सबके सब घेर गए मैया को। बोले बाबा लगता है तू कुछ जादू टोना जानते हो। अभी तक तो लाला रो रहा था लेकिन तेरे को देखते ही खिलखिला करके हंसना शुरू कर दी। बोले बाबा एक बात बताओगे। बोले बता। बोले मेरे लाला को ना बड़ा जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए रोता है सोता नहीं, कोई जादू टोना है। बोले अगर एक काम करोगे ना तुम्हारे लाला के ऊपर कभी जादू नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले लाला का जब स्नान कराओगे वो स्नान का पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। भगवान का स्नान का पानी क्या है, चरणामृत है, वो गंगा है। ये गंगा कहाँ से निकली, ठाकुर जी के चरण से, इसलिए शंकर के सर पर गंगा है ना शंकर जी के, इसलिए शंकर जी जो काबर लोग होते हैं कितना दूर से गंगा पानी ला करके शंकर के सर पर डालते हैं, क्यों गंगा भगवान की चरणामृत। भगवान शंकर जी चरणामृतों को बहुत पसंद करते हैं। माँ ने कहा ठीक है बाबा मैं सो कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा, बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब तुम्हारा लाला का कुछ भोजन खिलाओगे वो भोजन प्लेट में जो बच जाएगा उसको मेरे को दे देना। बोले ठीक है बाबा मैं सो कर दूंगा। देखो अब लोग नंदगांव को ही गए हो, नंदगांव कौन कौन नंदगांव गए हो वहाँ पर देखना, वो पास में नंदीश्वर महादेव है। जब भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं वो सीधा वहाँ चरणामृत शंकर जी के सर के ऊपर है, वहाँ पर नंदीश्वर महादेव। जब ठाकुर जी को कोई भी चीज़ भोग लगे वो सबसे पहले शंकर जी को पास में आएगा, ठाकुर जी को प्रसाद। पर जब शंकर जी इसको ग्रहण करते हैं फिर सब लोग उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए जब भगवान को कोई चीज़ भोग लगे वो हो गया प्रसाद। लेकिन वही प्रसाद जब भगवान के किसी प्रिय भक्तों को भोग लगे वो प्रसाद नहीं, उसका नाम महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए नियम है शंकर जी को पार्वती को गणेश जी को हनुमान जी को कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, लड्डू लेकर के हनुमान का मुंह में ठोसते हैं। बोले हनुमान खा ले, क्या हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू खाएंगे, नहीं। अब राम दरबार देखे हो, राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं बताओ, कहाँ बैठे हुए होते हैं, उनके चरण में बैठते हैं। जब तक प्रभु राम भोजन नहीं करेंगे, मैया सीता नहीं खाएगी ना, हनुमान को एक मन किया 100 मन भी भोग लगाओ हनुमान जी उसको तरफ झांक कर भी नहीं देखेंगे। लेकिन जब प्रभु राम को जानकी को भोग लग जाएगी फिर हनुमान जी को देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक करके खा लेंगे, क्यों ठाकुर जी को भोग लग गया। उसी तरह जो देवी है वो वैष्णवी है, माता का नाम वैष्णवी है ना, वैष्णवी मतलब क्या है,
जो भगवान विष्णु को आराधना करती हैं। माँ स्वयं देवी गले में तुलसी कंठी पहनती हैं। कभी आप लोग जम्मू में कभी जाओ, देखोगे वहाँ वैष्णव देवी, उनके गले में देखोगे तुलसी कंठी, स्वयं माँ धारण करती हैं। हैं, इसलिए उनका नाम वैष्णवी, जो विष्णु को उपासना करती हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में वहाँ पर जो वाहन पीठ है, वहाँ पर माता जी के चरण पड़ा हुआ है, गिरा हुआ, वो वहाँ पर श्री विमला देवी है। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो प्रसाद सीधा माँ को पास में आती है, पर जब माँ प्रसाद ग्रहण करती, फिर वो दुनिया में प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई भी चीज हो, पहले कृष्ण हो, नारायण हो, राम हो, ये तीनों को कोई किसी को भोग लगाओ, फिर वह प्रसाद फिर कोई देवा देवी इनको दो, ये बड़े प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण करते हैं। बोले श्री भोले बाबा की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब धीरे 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 कृष्ण बड़े हुए, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण पहले उन्होंने श्री शकटासुर को वध किया। जब कृष्ण ने करवट ली, मैया खुश हो गई, पूरा परिवार को बुलाए, बोले लाला ने आज करवट लिया, आज हम उत्सव मनाएंगे। घर का सारे सामान को लेकर के बैलगाड़ी पर रख दी, लाला को बैलगाड़ी पर नीचे लेटा दी, कहता अभी माताएं आएंगी कीर्तन करेगी, लाला की कच्चा नींद नहीं टूट जाए। और सबके बैठी बैठी करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगरे रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगरे रंग काला, हर गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, भजन कर रही थी। कृष्ण का सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, कभी नारद जी भगवान से पूछे, बोले ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले ना अहम तिष्ठा भी वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च। बोले नारद दुनिया कहता है मैं रहता हूँ वैकुंठ में, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, बोले वहाँ भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो, बोले एक जगह पर तुम मेरे को पाओगे, बोले मद भक्ता जत्र गायती, जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी सत्संग करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। अभी यहाँ पर सब गोपियाँ बैठ करके कीर्तन कर रही थी, अभी लाला की नींद खुल गई, अभी कृष्ण आना चाह रहे हैं, कहते भैया मैं भी तो थोड़ा आनंद लूँ कीर्तन का, सबके सब कीर्तन कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा आनंद लूँ। देखो भगवान की कथा हमें भी अच्छी लगती है और भगवान का कीर्तन हमें अच्छी लगती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा किसको अच्छी लगता है, भगवान कृष्ण को। कहते कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में इतने अच्छे, आप देखना कि सूरदास का कहीं की छवि देखना, जब सूरदास जी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जो भजन गा रहे थे कृष्ण स्वयं बाल गोपाल बन करके कृष्ण स्वयं सुन रहे हैं। बोले कृष्ण भजन कृष्ण कथा में इतने आनंद है, कृष्ण भी अपना कथा में रम जाते हैं। कहते एक सही घटना है, आप लोग जयपुर को ही गए हो, कौन जयपुर गए हाथ उठाओ, तो वहाँ पर भगवान गोविंद देव को देखे होंगे, श्री गोविंद देव भगवान है। कहते एक संत हर साल आकर के कथा करते थे, एक साल कर कथा करके गए, दूसरे साल में कथा करने आए। जब आए वो संत ने पूछा आप ये बताओ पिछले साल मैंने कथा को कहाँ पर विश्राम दिया था, उसको बाद से फिर मैं कथा प्रारंभ करूँगा, बताओ।
भैया आज जो खाते हैं कल ही याद नहीं रहता है, और एक साल पहले कथा किए थे और तो सबके सब भूल गए, इधर उधर सब इधर उधर अपने आप मुंह देखने लग गए। इतने में वो संत ने कहा, लगता है तुम लोग कोई कथा ध्यान से नहीं सुनते, तुमको याद नहीं मैंने क्या कथा सुनाई। जब उन्होंने ये बात बताई ना, ठाकुर जी की मंदिर से आवाज आई, बोले बाबा संत जी आप कैसे कहते हो कोई कथा नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ ना। ठाकुर जी स्वयं आवाज दिए, बोले आपने कथा यहाँ तक की थी, इसको बाद में फिर यहीं से कथा शुरू। इसलिए ठाकुर जी भी स्वयं बैठी बैठी करके अपना कथा को ठाकुर भी सुनते हैं, हैं? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन, मतलब है भगवान की कथा में इतने आनंद है जितने उसमें गोता लगाते रहो उतना ही गोता लगाते रहोगे। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होता है, लेकिन दुनिया की हर कथा पुरानी हो जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एक दिन पढ़ करके दूसरे दिन उसको पढ़ सकते हो, उसको फेंक देते हो, नहीं देखते हो। बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आए, एक बार देख लिया, दो बार, तीन बार, फिर चार बार उसको देख नहीं सकते हो। लेकिन घर में कोई हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, कृष्ण की कोई कथा पढ़ते होंगे कोई, लेकिन इसको रोज पढ़ते कि नहीं, ठाकुर जी को रोज देखते हैं कि नहीं, दो बार, तीन बार, दस बार देखते रहते हो। लेकिन ठाकुर जी कभी पुराना होता है? ठाकुर जी, ठाकुर कथा कभी पुरानी होती है? कभी नहीं होती है। इसलिए आज कृष्ण स्वयं अपना कीर्तन का आनंद कृष्ण लेना चाहते, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, अभी कृष्ण को केवल 3 महीना हुआ है। आज ठाकुर जी करवट केवल ठाकुर जी लिए, लेकिन अभी ठाकुर जी को घुटन भर भी चलना नहीं आता। कृष्ण ने देखा अगर रोऊं ना, हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण थोड़ी सी रोना आरंभ की, लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, कौन आया, किसको देना, किया नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी गोपियां आई है। अभी कृष्ण ने देखा अभी जाऊं कैसे, कृष्ण रो रो करके, कृष्ण बोले इतना तो रो लिया और कितना रोऊं। इतने में उनकी इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा की, कंस ने एक तृणावर्त राक्षस को भेज दिया, वो आकाश में आंधी तूफान नहीं, वो शकटासुर को भेज दिया। उसने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, लोमहर ऋषि की आश्रम में प्रवेश करते हुए उनको सारे बाग को उन्होंने उजाड़ दिया, लोमहर ऋषि अभिशाप दिया, इसलिए तू इतने मोटे छोटे बने हो भगवान और ठाकुर जी की बाग को उजाड़ने के लिए हम अभिशाप देते हैं, जा तुम्हारी जिस शरीर में इतना अभिमान, तुम्हारी ये शरीर ही नहीं रहेगा। उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। उन्होंने अभी धीरे धीरे देखते देखते उसका शरीर गायब होने लग गया, सारी नशा उतर गई। बोले बाबा मेरी उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे उनके चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगा। इतने में वहीं पर आ गया ये शकटासुर, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा ये बैल गाड़ी को नीचे कृष्ण लेटे हुए, सोचा ये गाड़ी को ऊपर मैं सवार हो जाऊं और धीरे 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 कृष्ण को मैं पीस डालूंगा। इतने में कृष्ण ऊपर देखे, बोले मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं ना, उनका संबंधी सबके सब मामा लगते हैं। बोले मामा जी आ गए, जरूर मामा जी कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में कृष्ण अपना चरण को चलाते चलाते ऐसे उन्होंने ठोकर मारे बैलगाड़ी में, सारी गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही मक्खन मिश्री सब के सब तसनस हो गया, और जितने गोपियां कीर्तन कर रही थी भागते भागते आई। बोले आंधी तूफान कुछ है नहीं, ये गाड़ी कैसे पलट गई? लेकिन कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा उन्होंने देखा था, ये कृष्ण का चरण स्पर्श से पलट गया। बच्चों ने कहा मैया मैया हम बताएं गाड़ी गाड़ी कैसे कैसे पलट गई। बोले कैसे? बोले लाला की चरण की ठोकर से। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिया। अभी लाला अभी 3 महीना की और बैलगाड़ी इतना बड़ा और उसका चरण की ठोकर से गिर पड़ा, मैया को तो विश्वास नहीं हुआ। फिर मैया ने लाला को वहां से उठा करके लेकर के कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर ब्रजवासियों ने बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला अमतरों का नाम हुआ मतरों
देखो कहते ठाकुर जी ये लीला आपके द्वारा क्या शिक्षा देते हैं, ये लीला के द्वारा शिक्षा देते हैं, मैं घर में रहते हुए पर दूसरे संपत्ति का क्या जरूरत है। और दूसरा शिक्षा दिया है, जैसे उत्सव हो रही थी लेकिन उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया। कहाँ लेटा दी, बोले बैलगाड़ी को नीचे, और जितने दूध दही थी ना वो सब के सब बैलगाड़ी को ऊपर रख दिया और कृष्ण को रख दिया नीचे। इसका मतलब है अगर हमारे घर में कोई उत्सव हो, अगर हम भगवान को उत्सव से अलग कर दे, भगवान को तो नीचा कर दे और संसार के विषय को अगर हम ऊंचा कर दे, ठाकुर जी कहते ऐसे मैं ठोकर मारूंगा ना, सब तुम्हारी तसने से कर दूंगा। इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते हैं घर में जो कुछ हो मेरे को साथ में लेकर करो, मेरे को अपना के सदस्य मान लो। जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो लेकिन हम क्या करते हैं, ठाकुर अपना बेटे के लिए पता नहीं कितने लोग गिफ्ट लाते हैं उनके लिए, कुर्ता पैजामा पैंट पता नहीं क्या खिलौना, कितना बच्चों के लिए क्या क्या बनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ करते कि नहीं। ठाकुर जी 15 दिन से तो एक कपड़े ठाकुर पहन कर बैठे हुए हैं घर का मालिक, हम रोज में 2-3 बार अपना ड्रेस चेंज करते हैं, लेकिन जिसने सब कुछ हमें दिया उनके लिए कुछ नहीं। इसलिए द्रौपदी को ठाकुर ने वस्त्र हरण का समय वस्त्र क्यों दिए, एक समय भगवान की अंगुल कट गई, अंगुल कट गई तो वहाँ पर कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ थी, अंगुल कट गया तो हम क्या करेंगे, उसको बैंडेज करेंगे ना, लेकिन कपड़ा कहाँ से लाएंगे। लेकिन जो महिषिया जो कपड़ा पहने हुई थी सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, करोड़ों रुपया के साड़ी का कीमत, वहाँ पर द्रौपदी भी वहीं पर थी, लेकिन द्रौपदी ने अपना कपड़े को नज़र नहीं दिया, कृष्ण देखते देखते इतने कीमती साड़ी को उन्होंने फाड़ दी, फाड़ करके भगवान के अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी। भगवान रीझ गए, बोले द्रौपदी एक दिन इसका ऋणी मैं जरूर तुम्हारी चुकाऊंगा। इसलिए भरी सभा में जब लाज जा रही थी, द्रौपदी की 5-5 पति थी, कितना पति थे, 5। देखो द्रौपदी यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। पहले ना द्रौपदी बड़ी घमंड करती थी, अभिमान थी, वे 5-5 पति मेरे को रखा करेंगे, लेकिन जब भरी सभा में इसको खींच करके ले आई, वो अपना पतियों को तरफ में देख रही थी आग फाड़ फाड़ करके, ये तो कुछ बोलेंगे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर देख रहे थे वहाँ गुरुवर्ग जो बैठे हुए थे, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र, बोले मैं कुलवध हूँ थोड़ी मेरे को विवस्त्र करने देंगे, लेकिन सब चुप। फिर खुद अपना कपड़े को पकड़ कर रखी थी, शायद मैं अपना लाज को मैं रखा कर सकती हूँ, लेकिन खुद को रखा नहीं कर पाई। फिर लास्ट में उसने किया कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, हे कन्हैया तेरे सिवाय और कोई रखा करने वाले नहीं। इसी जगत में ठीक वैसे है, हम भी बड़े डीग हाँकते हैं, हमारे पति है, हमारे देवर है, हमारे परिवार है, सबका सब देखेंगे, लेकिन दुनिया बड़ा विचित्र जगत है। बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गर और तुम कौन, ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, हम भी बड़े डीग हाँकते हैं, विपत्ति में सब रखा करेंगे, जब विपत्ति आएगा ना देखो ना उसके सिवाय और दुनिया में कोई हमें बचाने रखा करने वाले कोई नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग हाथ उठा देना, हाथ उठा करके कहते वृंदावन बिहारी लाल की, मतलब क्या है, हे ठाकुर जी द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठाया, दोनों हाथ उठाना मतलब क्या है, तेरे सिवाय जगत में और कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं, इसलिए हम दोनों हाथ उठाते हैं, ठाकुर जी तू ही हमें बचा सकते हो हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं ठाकुर जी, घर में कुछ भी हो ना पहले ये चीज को देखो, ठाकुर जी के लिए कुछ है कि नहीं, अपना लिए मत देखो, ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, कोई घर में बर्थडे शादी की सालगिरह हो सारा दुनिया को बुलाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनको खिलाते रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, ठाकुर जैसे तैसे बैठे हुए, ठाकुर को सेवा के लिए कोई तत्पर नहीं। कहते ऐसे मत क्या करो, पहले ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी के लिए पहले कुछ बना हुआ कि नहीं, ठाकुर जी के लिए कुछ कपड़े है कि नहीं। एक उदाहरण दिया है, जैसे अपना शरीर को सजाओ बढ़िया से, बढ़िया करके सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना
जैसे आप शरीर को सजाओगे ना ठीक वैसे ये परछाई सज जाती है। परछाई को सजाने का जरूरत होता है? शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाती है। उसी तरह आप भगवान कृष्ण को जितने सुंदर सजाओगे, ठाकुर को जितने सुंदर सेवा करोगे ना, देखोगे अपने आप तुम फलते फूलते रहोगे, अपने आप तुम सजते रहोगे, अपना जीवन धन्य होते रहेगा। अगर ठाकुर को नहीं सजाओगे, केवल परछाई, जो टाटी पेशाब का जो थली शरीर, कल इसको ही जिंदगी भर सजाते रह जाओगे, लास्ट में बल्ले के राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए यहाँ भगवान शिक्षा देते हैं, क्या करो, सब कुछ मेरे को लेकर के करो, मेरे को छोड़ करके मत क्या करो कुछ हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम कृष्ण। और जब थोड़ी सी कृष्ण बड़े होते हैं, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, जब मैं मैया की स्तनपान करता हूँ, ये ब्रज के जितने वृद्धा गोपियाँ हैं ना, ये भी सोचती हैं क्या कृष्ण कभी हमारी घर में आएंगे, उनको भी हम स्तनपान कराएंगे। जब मैया यशोदा हमें मक्खन खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, ये गोपियों की मन में भी इच्छा होती है क्या कृष्ण कभी हमारी घर में आएंगे, कभी इनको भी हम कभी दूध पिलाए, कभी इनको मक्खन खिलाए। इनकी भावना को कृष्ण समझते हुए एक दिन अपना सखाओं को बुलाए, बोले सखाओं आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा नया खेल है? बच्चों को नया खेल बताओ तो खुश हो जाते हैं। बोले हम लोग को चोरी करेंगे। बोले गंदा बात, चोरी करोगे? बोले खाने पीने का चीज़ चोरी करेंगे, रुपया पैसा थोड़ी चोरी करेंगे। तो बोले अगर पकड़े गए तो बोले मैं हूँ ना, चिंता क्यों करते हो। कृष्ण ने देखा दूसरों घर से मक्खन चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके मैं देख लेता हूँ, अगर अपना घर में सक्सेसफुल हो जाऊँगा ना, फिर दूसरे घर में भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। एक दिन मैया को नज़र बचाते हुए कृष्ण अपना घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। नंद बाबा का घर कैसे है? हीरे जवाहरात से बना हुआ, पिलर कैसे, मणि स्तंभ है। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, उनका परछाई ये पिलर के ऊपर में गिरा। कृष्ण तो अभी बच्चे हैं 3 साल के, उनको ये पता नहीं अपना परछाई भी कोई चीज होता है। कृष्ण ने देखा शायद मैं जैसे मक्खन खा रहा हूँ, शायद हमारी घर में मेरे जैसे और एक कोई बालक ये भी मक्खन चोरी कर रहा है, शायद इसने देख लिया। मैया को बोल नहीं दे, सोचा इसको साथ में मैं दोस्ती कर देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे करे? बोले उनको कुछ खिला करके दोस्ती करे। कृष्ण ने मक्खन ले करके बोले देख भैया तू भी मक्खन खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। चोर चोर मसूरी भाई कहते हैं ना, है बोलना नहीं, लेकिन तो परछाई था, वो परछाई भी वही बोला तू खा मैं खाता हूँ, मैया को बोलना नहीं। कृष्ण बोले तुम मेरे घर में आ करके और मेरे को उपदेश दे रहे हो, वो परछाई भी वही बोला। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, लाला किससे बात कर रहा है। इतने में मैया आ करके देखा लाला परछाई से बात कर रहा है। बोले देखो कितने भोले वाला ये है, हैं कितने भोले वाला। इतने में मैया ने बोले लाला तू किससे लड़ाई कर रहे हो। इतने में कृष्ण ने देखा, मैया को तो पता चल गया मैं मक्खन चोरी कर रहा हूँ। कृष्ण वहाँ से छलांग लगाए और जो पिलर था ना उसको पकड़ लिए। बोले मैया मैया हमारी घर में एक चोर घुसा आए हो। बोले कहाँ? बोले पिलर को अंदर में। बोले देखो कितने भोले भाले। बोले चोर तो आ गया लेकिन तेरे हाथों में कैसे मक्खन लगा? बोले ये भी बात है। बोले मैया तुमने मेरे हाथों में जो मणि की कंगन पहना दी थी गर्म हो गया था, इसलिए मक्खन में मैं डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में कैसे मक्खन आया? बोले भैया ये भी सच है। बोले मैया मुंह में एक चिट्टी चल रहा था, वो चिट्टी को हटाने के लिए गया ना, मेरे मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली लाला तू मेरा अकेला लाला है, जो कुछ मैं बनाती हूँ तेरे लिए ही बनाती हूँ, ये सब चोरी करके खाने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने कहा जीवन में पहला बार चोरी किया तो पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ा जाऊँगा। ऐसे ही कृष्ण घर घर में चोरी कर रहे थे। अभी पूरा ब्रज में हला हो गया, कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं। अभी ब्रज में एक नई बहू आई, वो बड़ी लिखी पढ़ी, बड़े चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण हर घर में मक्खन तो चोरी करते हैं लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आते।
वो लिखी पड़ी बड़े चालाक चतुर थी, बोले मैं देख लूंगी कृष्ण कैसे मखन चोरी करते हैं। वो तो सवेरे सवेरे लठिया लेकर के ना घर को सामने बैठी गई। इतने में कृष्णा आए सखाओं के साथ में, वो बहू तो बैठी हुई वो हट नहीं रही है। फिर कृष्ण दो चक्कर लगाए, बोले जैसे को तैसे बैठी हुई। जब तीसरे चक्कर लगाए ना, वो जो नई बहू थी बोले कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे मखन चोरी करोगे। कृष्ण ने कहा मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिया। बोले सारे नाड़ी नक्षत्र मेरे को पता है, खबरदार अगर इधर आओगे ना फिर सीधा पकड़ करके मैया के पास में ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन डर गए, वो रोड़ी छोड़ दिया ने हैं। लेकिन एक प्रहर हो गया, दो प्रहर, तीन प्रहर हो गया, लेकिन जब कृष्णा का दर्शन तीन प्रहर तक भी कृष्ण दर्शन नहीं मिला, वो गोपियां तो तड़फड़ाने लग गई। बोले आज सारा दिन लाला का दर्शन नहीं हुआ। अब गोपियां झुंड के झुंड बना करके मैया को घर में झूठ मुठ का बहाना बना करके आ गई, केवल कृष्ण को दर्शन करने के लिए। बोले मैया मैया, बोले कहाँ बात है। बोले लगता है हमें ये गोकुल छोड़ करके और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। बोले देखो मेरे जो लाला है ना ये छोटा सा है, ये मक्खन को सिक्के के ऊपर में रखा करो, फिर लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले फिर घर क्या कोई सीढ़ी झीना बना करके रखे हो। बोले बनाने का जरूरत नहीं, परमात्मा ने तेरे लाला को इतने दिमागदार बनाया, दाव भैया थोड़ा मोटो सो और उन्होंने उनको नीचे बैठा देते हैं, और उसको ऊपर में मधुमंगल, उसको ऊपर अर्जुन, और खुद चढ़ जाते हैं ऊपर में और मटकी को निकाल लेते हैं। बोले एक काम करियो, नीचे मटकी में रखना नहीं माल, ऊपर मटकी में नहीं रखना, जो बीच जो मटकी उसमें दूध दही जो कुछ रखना वहीं पर रखना। बोले मैया हमें सो भी करके देख लिया। बोले फिर पहले तो मिट्टी का पात्र होता था जिसमें माल होगा ना वो गीला गीला रहता है, और एक डंडा ले जाते हैं उसमें मारते हैं, जिसमें माल नहीं होगा ना उसमें तो आवाज़ होगी, और जिसमें होगा वो आवाज़ नहीं होगा। बोले इनको पूरा पता चल जाता है किसमें माल रखा हुआ है, और हाथ पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो डंडे मार करके फोड़ देते हैं, और नीचे बैठ करके एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं देते हैं, सब के सब सटका जाते हैं। बोले मैया हमने सब कुछ कर दी। मैया बोले एक काम करियो। बोले क्या। बोले मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में रख दिया करो। बोले हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर बोले तुम लाला का शरीर में जो हीरे जवाहरातों से श्रृंगार करती हो वो अंदर में प्रवेश करते ही अपने आप उजाला हो जाता है। बोले इसको निकाल दो। बोले तेरे सौगंध हाथ मत लगाओ। बोले तेरे लाला के जो नक है ना इसमें इतने प्रकाश है, वो उसी से ही पूरा के पूरा उजाला उसी से ही हो जाता है। मैया बोले कोई चिंता मत करो, मेरे लाला जितने मक्खन खाता है उससे डबल डबल मेरे घर से ले जाएगा। बोले मैया तेरे आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं, ठाकुर का आशीर्वाद से घर में सब कुछ है। और कृष्ण को दर्शन करके गोपियाँ वापस चली जाती है। ऐसे ही अभी कृष्ण को किसी तरह से पकड़ नहीं पाते गोपियाँ। बोले एक काम करो, ये कब आता और कब जाता है पता नहीं चलता है। बोले छीके के ऊपर में एक जो बेल लटका दो, जब कृष्ण चोरी करेगा ना वो बेल अपने आप बज उठेगी, फिर पता चलेगा कृष्ण आया, फिर पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने छीके में एक बेल लटका दी। कृष्ण जब आए बोले ये क्या फांद है, कहते मेरे को पकड़ने के लिए उन्होंने साजिश रचना किया है। इतने में कृष्ण वो बेल से बात करते हैं। बोले भैया तू कौन हो। बोले आपका मैं सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ। बोले आप हमारे प्रभु है। बोले ये बताओ प्रभु का प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है। बोले आदेश पालन करना। बोले जब तक मैं मक्खन खाऊंगा तब तक बजना नहीं, और जब मक्खन खाकर चला जाऊँ ना फिर बज उठी हो। बोले ठीक है प्रभु जी। इतने में आप बोलो क्या सचमुच से बेल बात कर रहा था। बात करता है क्योंकि ये गोलोक मर्त्य जगत नहीं, वो ठाकुर जी की जगत है। वहाँ पर सबके सब असंभव संभव है, हैं? वहाँ पर ठाकुर का राज्यत्व है। इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, कहते वहाँ का जितने वृक्ष कल्प वृक्ष है जो मांगो वही दे देता है। कहते भूमि नहीं वो चिंता मणि, जो चिंता करो
वही मिलेगा। वहाँ पानी नहीं वो अमृत है, वहाँ कथा नहीं वो गान है, वहाँ कोई चलता है ना लगता है बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, वो भगवान की दिव्य जगत है। इतने में कृष्ण मक्खन उतारे और जब कृष्ण खाने के लिए बैठे ना वो बेल तो अपने आप बज उठ, बोले क्यों बज रहे हो? बोले ठाकुर जी आपको पता है। बोले क्या है? ठाकुर जी को भोग लगाता कि नहीं? जब तक तो बेल नहीं बजाते ना ठाकुर का भोग नहीं लगता है, हैं? इसलिए बेल बजे बगैर आपका भोग कैसे लगेगा। इतने में कृष्ण जल्दी जल्दी खाए और कृष्ण वहां से चले गए। एक दिन मैया जसोदा बोली लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी, सब हम जो कुछ करते हैं ना लिखाई पढ़ाई नौकरी चाकरी किसके लिए, ये घर मकान क्यों? शादी के लिए करते हैं, अच्छी बहू अच्छा बेटा मिल जाए, हैं? बोले दुनिया शादी के लिए पागल होते हैं और तू कहते मेरी शादी नहीं होगी। बोले बेटा बताओ शादी कैसे होगा, अभी पूरा ब्रज में हल्ला हो गया तुम मक्खन चोरी करते हो, अभी बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरे शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, मैया कहती शादी नहीं होगी, इसलिए कभी कभी कृष्ण मचलते भी। बोले मैया मेरे लिए कि छोटी सी दुल्हनिया ले आना, मेरे से छोटी बड़ी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मेरे को अगर रूठ जाओ ना मेरे को गोद में बैठा करके थाला भर भर कर मेरे को खिलाए, हैं? इसलिए बहू कैसे होनी चाहिए, कभी कभी कृष्ण वर्णना करते हैं मेरे लिए ऐसे के बहू ले आए। अब मैया कहती तेरी शादी नहीं होगी, कृष्ण ने देखा तो गड़बड़ी हो गई। कृष्ण सोच रहे हैं मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जैसे मैया को पता चले मैं सचमुच से चोरी नहीं करता हूँ। देखो कृष्ण क्या गजब की, कृष्ण उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी, दुर्गल गा सकते हो भजन गा लो, चल चल गाओ, मैया मोरी मैं नहीं मान कायो, मैया मोरी मैं नहीं मान, मैया मोरी मैं नहीं मान कायो, I'm
Thank you.
कन्हैया लाल की जय। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। देखो कृष्ण ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, हमारे टीकाकारों ने उसको पीछे बड़े रहस्य बताया। चोरी कौन करता है? जिसके घर में किसी चीज की कमी हो वही चोरी करता है ना। कृष्ण तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, पर वो चोरी किस चीज की करेगी? इसलिए ये मक्खन चोरी का तात्पर्य है, इसका नाम है मक्खन। मक्खन मक्खन मतलब क्या होता है? मग मतलब होता है ये काम क्रोध लोभ मोह है, इसलिए ना मतलब होता है नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं? जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, उसी चीज को ही ठाकुर जी चोरी करते हैं। बोले ये चीज कहाँ पर नहीं है? बोले संतों के हृदय में, ये काम क्रोध संतों का हृदय में नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। संत का हृदय ही ये मक्खन है। बोले भैया संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियाँ, ये सबसे बड़े कृष्ण के प्यारी और संत ये है। आप लोग घर में कभी मक्खन बनाए हो? कौन कौन घर में मक्खन बनाए, हाथ उठाओ। सबके सब बनाए। तब इसको उदाहरण देकर समझाते हैं ये मक्खन है चीज क्या, कृष्ण इसको चोरी क्यों करते हैं। पहले दूध लाओ, दूध को पहले गर्म करो। गर्म करना मतलब क्या? बोले जब किसके हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, गर्मी मतलब हृदय में उत्कंठा हो, हमें ठाकुर कब मिलेंगे, हमें भगवान कब मिलेंगे, कभी ये गर्म करना। गर्म हो गया दूध, उसको बाद में जमन डालते हैं, लेकिन जमन थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा होगा तो फिर दही खट्टा हो जाएगी। उसमें जमन डालो। ये जमन क्या चीज़ है? जब हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी, फिर भगवत इच्छा से जीवों को सदगुरु की प्राप्ति होता है। पर सदगुरु हमें जो ठाकुर का नाम देते हैं, जैसे कृष्ण राम, जैसे राधे, गुरुदेव हमें जो नाम देते हैं, ये हो गया जमन। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे कोई बराबर हो जाए, अगर जीवन में सदगुरु को नहीं ग्रहण करते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी जगत में भी देखना, गंधे से गंधे काम, चोरी गुंडागिरी पकेट मारो, इसका भी कोई गुरु होता है कि गुरु नहीं होता है? शराब पीना, इसका भी कोई गुरु होता है? बिना गुरु के ये जड़ विद्या भी, ये गंधा काम भी बगैर गुरु के होता नहीं। पर वो भगवान की जो भक्ति, हाँ जो जो आध्यात्मिक भगवत ज्ञान है, ये गुरु से कैसे मिले, बगैर कैसे मिलेगा? जमन डालना मतलब होता है यहाँ पर, उसमें ही सदगुरु जो नाम दिया, अभी वो दही जम गया, गुरुदेव ने हमें हरि नाम दिया, भगवान का नाम दिया, दही जम गई, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा। बोले मंथन मतलब अभी उसको साधन करना पड़ेगा, भगवान का नाम को जप करना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा, ये हो गया मंथन। जब मंथन करोगे एक तरफ में तो निकले जाएगा मक्खन और दूसरे तरफ में निकले जाएगा छाछ। कभी ये मक्खन किया है, जब हम भगवान के नाम को जप करेंगे, जैसे ध्रुव जी की कथा सुना, ध्रुव जी ने जब ओम नमः भगवते वासुदेवाय उनने 6 महीना में जप किया तो क्या हुआ, साक्षात ठाकुर जी उसको ला करके ठाकुर साक्षात प्रकट हो गई और ठाकुर जी को उन्होंने दर्शन किया। इसलिए जब हम मंत्र दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करेंगे, फिर जो मक्खन मतलब होता है प्रेम, जब हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम होगा, क्या होगा, फिर ठाकुर जी आकर के वो प्रेम को आस्वादन करेंगे ठाकुर जी। इसलिए वो प्रेम गोपियों के हृदय में ही वो प्रेम है। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, गोपियों का प्रेम को आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी घर घर में जाते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। जब कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते थे, एक दिन मैया जसोदा सोचा क्या मेरे घर का मक्खन शायद खट्टा होता होगा और ये गोपियों का घर का मक्खन मीठा होता होगा, इसलिए मेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है, इसलिए मैं अपना हाथ से स्वयं मक्खन बनाऊंगी। मैया जसोदा ने
जितने गोपियां थी बोले तुम लोग अपना घर में जाओ, मैं आज स्वयं मक्खन जमा करके आज मैं स्वयं दधि मंथन करूंगी। इसलिए मैया जसोदा एकदम सवेरे सवेरे उठ करके दधि मंथन कर रही थी। जब दधि मंथन कर रही थी, अभी मैया हाथ में चूड़ी, पहले तो माताएं चूड़ी पहना करती थी, वो चूड़ी की झनझन आवाज हो रही थी, जो रई था उसका भी घर घर शब्द हो रहा था। कैसे? जैसे मैया मुंह से कीर्तन कर रही थी। क्या कीर्तन कर रही थी? बोले गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो धरमाधवेती, गोविंद दामो धरमाधवेती। हे कृष्ण हे दास सब हे सकेती, गोविंद दामो धरमाधवेती। हे कृष्ण हे दास सब हे सकेती, गोविंद दामो धरमाधवेती। देखो मैया जसोदा हम सब माताओं को एक शिक्षा देती है। जब हम बोलते ना भजन कर, बोले भजन के लिए समय कहाँ है? बोले भजन के लिए समय निकालने का जरूरत नहीं, जब अपना हाथों में कुछ काम करते हो क्या समझ कर काम करो ठाकुर का सेवा। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो क्या समझो ये घर भगवान का दरबार, ठाकुर का मंदिर है। झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अगर ठाकुर जी कभी घर में घूमेंगे, अगर घर में धूला पड़ा रहेगा तो ठाकुर के चरण में लग जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घर को हम सफाई कर रहे हैं, रसोई बना रहे हो। क्यों? ठाकुर जी को भोग लगेगा। कहीं स्नान कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहने रहे हो, बोले क्यों? बोले ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण करके तभी तो ठाकुर को हम सेवा करेंगे। इसलिए घर में जो कुछ करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, और हाथों में काम करो और मुँह में भगवान की नाम। हाथों में काम और मुँह में, और जोर से बोलो, हाथों में काम और मुंह में, बस हो गया कि नहीं? यही तो भक्ति, और भक्ति कोई अलग थोड़ी चीज है, भक्ति बहुत सरल चीज है। इसलिए मैया हाथों में तो कृष्ण के लिए सेवा कर रही है, लेकिन मुंह में इधर ठाकुर जी की नाम ले रही है। जैसे हम कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन करते मजीरा बज रही है, मैया के हाथ में जो चूड़ियां थी ना वो झनझन आवाज हो रही थी, मानो ये मजीरा की काम कर रही थी। जो रही थी घर 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 शब्द हो रहा था, जैसे वो ढोलकी बजा रही ना, वो ढोलकी का काम कर रहा था। अब ध्यान करके देखना, वो जो ढोलकी में जो आवाज होती है, धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, मतलब क्या है? वो मृदंग इसाख्यात बलदेव प्रभु, ये गुरु जी है, ये गुरु जी शिक्षा देते हैं। अगर जिनको ये मानव शरीर भगवान ने दिया, लेकिन ये मानव शरीर पा करके भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, धिक्तांग, तांग मतलब उसको, धीक मतलब धिकार, जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, बोले उनका जीवन को धिकार, उनका जीवन को धिकार, उनका जीवन को धिकार देती हैं। इतने में कृष्ण सेवा कर रही हैं, कृष्ण कीर्तन कर रही हैं। देखो इसका फल क्या है, अभी कृष्ण का नींद खुल गई। बोले मैया कहाँ है? बोले मैया तो दधि मंथन कर रही हैं। लाला आकर के पीछे से माँ को पकड़ ली, बोले मैया मैया मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला तेरे को दूध भी पिलाऊंगे, तेरे को मक्खन भी खिलाऊंगी, अगर सूर्य उदय हो जाएगा तो मक्खन नहीं निकलेगा, ठंडा ठंडा में निकलते, थोड़ा रुक जा। बोले मेरे को भूख लग रहा है, तू कह रहे हो तो रुक जा। बोले जब तक मैया का काम बंद नहीं कर दूं तब मैया दूध नहीं पिलाएगी। सामने आकर के दोनों हाथ से रही पकड़ ली। मैया ने देखा लाला तो बड़ा दिमागदार है, फिर उन्होंने लाला को गोद में बैठा करके दूध पिलाने लग गई। लेकिन चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए रखा था, अभी वो दूध उफन उफन करके आग में गिरने जा रहा था। बोले क्यों? बोले कारण है, ये दूध सोच रहा था मेरे जीवन तो बेकार हो रहा है। बेकार क्यों? बोले मैया जसोदा की स्तन में इतने दूध है, जिसको हम खीर समुद्र कहते हैं ना, वो खीर समुद्र समझ आएगा, इतने स्तन में दूध। और कृष्ण का पेट कैसे है? कृष्ण का पेट में विश्व ब्रह्मांड, मतलब कृष्ण का पेट भी भरने वाले नहीं, मैया के स्तन से दूध भी खत्म नहीं होगा। लगता है मैं कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा, इससे तो अच्छा है ये जीवन को अग्नि में समर्पण कर दे। लेकिन मैया तो बड़ी दयालु, नाम जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो चस दे, सबको जो आदर दे। मैया बोली रुक जा,
अग्नि में अपना प्राण को विसर्जन मत कर, अभी तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। अरे मैया बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा। बोले नहीं आधा पेट भरा हुआ। बोले उधर दूध उफन रहा है। बोले उफनने दो, पहले मेरे को भर पेट खिला करके जा। मैया ने देखा इधर दूध भी उफन रहा है और इधर पूत भी उफन रहा है, दोनों ही उफन रहे, अभी हमें क्या करनी चाहिए? बोले ये दूध रखा करो। बोले क्यों? कहते मेरे स्तन में जो दूध, लाला को तो मैं कभी पिला सकती हूँ, लेकिन अगर दूध उफन करके अगर आग में गिरता है ये बच्चों का अमंगल होता है। हाँ, ये अमंगल का लक्षण है। फिर जो उबल करके जब गिरेगा वो जितने सब मलाई गिरेगा, फिर उसमें मलाई नहीं होगा तो मक्खन कहाँ से आएगा? बोले लाला थोड़ी सी उतर जा। कृष्ण उतरना नहीं चाह रहे थे। मैया तो उसको जोर जबरदस्ती बैठा करके जब चली गई, कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। बोले कितने दूध को तू रक्षा करोगी? और जो मटकी था ना, कृष्ण कोशिश किया उसको पलटने के लिए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। वहाँ पर पड़ा हुआ था एक पत्थर और उन्होंने पत्थर से मटकी को मारी। मटकी तो फूट गई, सारा घर दही 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 हो गई। फिर कृष्ण पास घर में गए, एक उखल के ऊपर खड़े होकर के मक्खन उतार उतार कर बंदर और कौओं को दे रहे थे। मैया आकर के देखा, क्या अपना घर का मटकी है, सांस का समय की मटकी, कितने घी पी पी करके मजबूत हो गया था, घर का मटकी फोड़ दिया। बोले इसको जरूर सजा देनी चाहिए। चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता, CID उसको पकड़ लेता है। कृष्ण तो गए लेकिन उनका चरण में दही की छाप लगा हुआ था। मैया ने एक लठिया उठा करके पीछे 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 गया। इतने में कौआ बंदर बड़ा चालाक होते हैं, इधर उधर कौआ बंदर खिसकने लग गए। बोले ये सब खिसक क्यों रहे हैं? देखा मैया पीछे पकड़ने वाले, कृष्ण तो छलांग लगाई और मेन रोड में भाग गए। जब भाग रहे थे मैया बोली, कहाँ जाओगे? तो मेरे कोख से जन्म लिया। उसी दिन था दीपावली। पहले माताएं घर से बाहर कोई नहीं निकलती थी, लेकिन दीपावली में सब पुरुषों लोग चले गए थे, केवल गांव में माताएं केवल थी। बोले तेरे को आज मैं छोड़ूंगी नहीं, पकड़ करके रहूंगी। और कृष्ण को मारने के लिए पीछे भाग रही हैं लठिया लेकर के। कृष्ण तो छोटा बच्चा भाग रहा है, मैया थोड़ी थोड़ी मोटी और थोड़ी सी चलते ही हाँप गई। इतने में मैया बोली, लाला खड़ा होता कि नहीं देख, मेरे हाथ में डंडा देख रहे, अभी मारू कहीं कर गई। कृष्ण बोले, मैया मैं तो खड़े है जाऊंगो, लेकिन तेरे हाथ में जो डंडा है ना, देख कर डर लग रहा है, पहले ये डंडे को फेंक दे, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। मैया बोले, तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी आज। तब कभी माताएं बच्चों को पूजा करती है ना, आज तेरे को पूजूंगी मारूंगी नहीं। फिर जा करके भगवान को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए बोले, सच सच बता, ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मटकी मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले किसने फोड़ी? बोले तेरे प्यार में जो इतने बड़े बड़े कड़ूले पहन कर रखी ना, पहले पहले माताएं देखे होंगी पूरन, इतने मोटी मोटी चांदी के नहीं तो सोने की अपना प्यार में कड़ूले पहना करती थी। बोले तू तेज से जब जा रही थी ना, ये कड़ूले लग करके मटकी फोड़ गई, फूट गई, मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले कितना दुष्ट, देखो खुद तोड़ करके तो मैंने तोड़ी। बोले ये बंदर को किसने खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बड़े बड़े बात करते, तू बड़ा चोर हो गया। कृष्ण बचपन में सुना था उनका एक मामा का नाम था चोर गोप। बोले मेरे बाबा तो नंद बाबा साहूकार, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा? बोले ये कहाँ से सब बात सीख गया? बोले तेरे को आज मैं बांध करके रखूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तेरे को। फिर उन्होंने बोले, तू खल और उदू खल, अपना चोटी से अपना रिबन फिता को निकाल करके जो बांधने के लिए गई उसमें दो अंगुल कम पड़े। बोले और एक रस्सी लाओ। फिर गांठ बंधा, फिर दो अंगुल, ब्रज का सारे रस्सी समाप्त तो हो गई, लेकिन दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हुई। मैया इतने थक गई, सवेरे से शाम तक बांधते बांधते सारा शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। गोपियां कह रही थी, मैया तेरे लाला को ललाट में विधाता ने बंधन नहीं लिखा, लिखो बांधो कैसे? बोले नहीं, मैं नहीं बांध सकती हूँ, मेरे कोख से जन्म लिया, बांध करके मैं रहूंगी। लेकिन किसी तरह से बांध नहीं सकी। इतने में उन्होंने अपना गृह देवता जो नारायण, बोले ठाकुर जी ये गोपियां मेरी खिली उड़ा रही हैं, मेरे कोख से जन्म लिया, सवेरे से शाम हो गया, सारे रस्सी समाप्त तो हो गई, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, नारायण तुम कृपा करो। जब उन्हें शरणागत हुई ना, बोले माता परिश्रम दृष्टवा कृपया आसीत संबंधने, माँ की परिश्रम को देख करके भगवान बंधन को स्वीकार किया, भगवान को बांध नहीं पाए। क्यों? जो अनंत, जो असीम,
जिसका कोई आर नहीं, जिसका कोई पार नहीं, उसको कोई थोड़ी बांध सकते। ठाकुर को दुनिया में कोई बांधने वाले होंगे? वो सारा दुनिया को बांध करके हाँ माया में नचा रहे हैं सबको। इसलिए कहते उसमें दो अंगुल कम पड़ रहा था। कितना पड़ रहा था? जोर से बोलो। इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था बता सकते हो? उसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था बोल सकते हो? नहीं बोल सकते? तुम बोल सकते हो? हाँ बोलो। हाँ ये बड़े दिन से प्रभु जी बोल नहीं पाए। बोलो तो माइकल बोलो। ये दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था? देखो इसमें बड़ी रहस्य बात है। इसमें जितना बार कोशिश कर रही थी, अगर ये दो चीज को आप समझ जाओगे ना, ये दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था, मानो इसी जीवन में आपको भगवान मिल जाए, मिल जाएंगे। ये दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था, इसी के पीछे क्या रहस्य है? हमारे श्री ये वकील है ना, ये वकालत करता है, ये वकील है। अभी आपको बताएंगे। बोलो ओम अज्ञान के विराम दृश्य जाने जिनसे लाके चक्षु न मस्मि श्री गुरु के नमः सब घुमा दो। हां बोलो। हमारे तरफ में इधर सपत सामने आ जाओ, रबड़ कर। नमो श्री पादाय राधिका प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज नामने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय बोधिले श्री श्रीमद्भक्ति दास श्री रूप श्री धनंजय गोस्वामी प्रभु जी नामने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव प्रातः स्मरण रसिक चूड़ामणि ओम विष्णु पाद स्तोत्र सब श्री श्रीमद्भक्ति दास श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात नमन प्रणाम करता हूँ। उनसे अपने अहितनीय कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों भागवत कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी गुरुदेव का आदेश हुआ है कि कुछ बोलो कि जो गुरुदेव की कथा सुना रहे हैं ये दामोदर मास की कथा है, जो कार्तिक में होती है लीला वो संपूर्ण लीला है। ये पूरे कार्तिक में होती है और इसमें दामोदर अष्टकम गाया जाता है, वो लीला गुरुदेव भी सुना रहे हैं। उस लीला को गुरु गुरुदेव सुनाते सुनाते तो बीच में ये प्रसंग आया है कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उनकी नटखट्टा के लिए दंड देने जा रही है तो वो उनको ओखल से बांध रही है, वो ओखल बंधन लीला है। जब ओखल से बांध रही है तो भगवान तो विषम भरे, उन्हें कौन बांध सकता है, ये सबको बांधने वाले हैं। तो जब माता उन्हें बांधने जा रही है तो अपने रिबन से उनको बांध रही है, तो जो उनकी रस्सी है वो बार बार दो अंगुल छोटी पड़ रही है। वो अपने बांध रही है, वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। वो सोच रही है कोई बात नहीं, लाला थोड़ा मोटा हो गया होगा। तो वो जितनी भी और गांव की गोपियाँ थी उन सबसे कहती है कि आप भी अपने रिबन खोल के दो, आज मुझे इसे बांधना है। तो सपने ही भले कि एक स्थिति में आएगी पूरे गांव की रस्सी खत्म हो गई, रिबन खत्म हो गए, पर भगवान बांधने में नहीं आए, हर पर दो ही अंगुल छोटी पड़ रही थी। ये कारण ये था कि क्योंकि माता गुरुदेव ने बताया ना कि जब माता यशोदा ने अपने इष्ट देव नारायण से प्रार्थना करी कि हे नारायण मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, तू बनता क्यों नहीं, तो भगवान तुरंत बन गए। तो इसमें शिक्षा मिलती है कि वो दो अंगुल थी, एक तो भगवान की कृपा और दूसरी चेष्टा। माता यशोदा क्या कर रही थी बांधने के लिए, आप सब जवाब दें, चेष्टा कर रही थी, और दूसरी भगवान की कृपा। जब उन्होंने प्रार्थना करी तो भगवान की कृपा हुई, ये दोनों चीज एक साथ कार्य करती है। ऐसे नहीं है कि भगवान की कृपा होगी और आप चेष्टा नहीं करेंगे तो कार्य हो जाएगा, नहीं होगा कभी भी। या ऐसा भी नहीं है कि आप चेष्टा करते रहेंगे कि मैं तो खूब चेष्टा कर रहा हूँ, भगवान की कृपा नहीं होगी, जब भी वो कार्य नहीं होगा। दोनों चीज एक साथ होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आपके इस घर में आंगन में गुरुदेव पधारे हैं, ये साक्षात भगवत स्वरूप है, ये आप सब लोगों पर कृपा करने आए हैं, तो कृपा तो बरस रही है। अब इसमें आप लोगों को क्या करनी है, चेष्टा करनी है ना। चेष्टा किस प्रकार होगी, दूर बैठे बैठे आए, थोड़े से कमल ला के सो गए, हाँ भाई चल थोड़ी सी देर पैठा बैठ ले, गुरुदेव आए बस सुन ले, नहीं। आपको अपनी जिज्ञासा बढ़ानी होगी, आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी होगी, आपको अपनी उत्कंठा बढ़ानी होगी, आपको वो चीज़ पूछने की अपना लोभ बढ़ाना होगा, जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अच्छा आज जगह गिरिराज जी महोत्सव है, ठाकुर जी को भोग लग रहा है तो सबको सांगन जार होगा ना, प्रसाद मिलेगा होगा ना, स्वाद देगा।
तो वो आपको लोभ बढ़ाना होगा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि वो कृपा कैसे प्राप्त करें। उस कृपा के लिए आपको चेष्टा पड़े, जैसे बाहर बारिश हो रही है, वो बारिश सभी के लिए हो रही है, किसी एक के लिए हो रही है? सभी के लिए हो रही है ना। अगर उस बारिश का आनंद लेना है तो क्या करना होगा? हमें उस बारिश में जाना होगा, या बारिश वो आपके घर के अंदर आ जाएगी, उस बारिश में जाना होगा ना। इसी प्रकार ये कृपा बरस रही है, आप सब आके ये ग्रहण कर लो, आप सबका कल्याण निश्चित है। जब माता यशोदा उन ठाकुर जी से प्रार्थना करती है जो इनके इष्ट देव हैं कि मुझे तो इतना परेशान क्यों कर रहा है, तो वे ठाकुर जी उनकी चेष्टा को देखकर, जिसको वे बार बार करके सुबह से शाम हो गए, थक गई, पूरे गांव की रस्सी खत्म हो गई, वे बांधने में नहीं आ रहे, आखिर में वे ठाकुर जी सिर्फ इतनी सी रस्सी से बन जाते हैं, सिर्फ इतनी सी रस्सी से। ये देखकर पूरा गांव, जितनी उनकी सखियां हैं, वे सब विस्मित खड़ी है। इसी को कहकर मैं अपनी वाली ओर देता हूँ। इसमें दो उदाहरण दिया, अब लोगों ने बंदर देखे हो, कौन कौन बंदर देखे हो? अब देखना, बंदर अपना बच्चे को पकड़ता नहीं, उसका बच्चा क्या करता है, भैया को पकड़ करके रखती है, और वो बंदर क्या करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छलांग लगाता है, लेकिन बंदर को नहीं पकड़ता, बंदर का बच्चा खुद माँ को पकड़ कर रखती है। एक नियम है, अगर बीच में अगर बंदर बच्चा माँ को छोड़ दिया ना, फिर माँ उसको दो बार नहीं उठाती, इसका एक नियम है, बड़ा कठोर नियम है। बिल्ली को देखे हो, कौन कौन बिल्ली देखे हो? सब देखे हो। बिल्ली को बच्चे देते हुए देखे हो कभी? अब देखना, बिल्ली अपना जो तो बच्चा होता है वो कुछ नहीं करता है, बिल्ली की माँ बच्चे को पकड़ करके यहाँ से वहाँ दिन में 10 बार करेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दिन भर उसको बदलाते रहता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, जो कुछ करती है माँ करती है। लेकिन यही चीज को समझो, दो अंगुल किया है, बंदर का जो चेष्टा है, बंदर का जो चेष्टा है वो खुद कोशिश करता है माँ को पकड़ करके रखे। इसका मतलब है जो साधक चाहता है अपना चेष्टा से हम भगवान को पा लेंगे। बिल्ली का जो उदाहरण है ये क्या कहते भैया, कुछ कुछ लोग ऐसे है ना, अरे उसको इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, जो होगा उसको इच्छा से होगा। कुछ लोग ऐसे है अपना चेष्टा कुछ भी करना नहीं चाहता है, हैं? जो होगा ठाकुर को इच्छा से होगा, उसको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। कभी जो दो उदाहरण दोनों काम का नहीं, ये दोनों पहले अपना चेष्टा से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हैं? चेष्टा से भी नहीं, अगर बोले ठाकुर का कृपा होगा वो भी नहीं होगा, दोनों नहीं। अब ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो मतलब क्या, हमें चेष्टा करना पड़ेगा। आप लोगों ने चेष्टा की तब तो घर से यहाँ तक आई ना, चेष्टा नहीं करते तो यहाँ आते नहीं, चेष्टा की तब यहाँ पर आप लोग आए हो, इसलिए चेष्टा करना पड़ेगा। लेकिन चेष्टा कैसे होनी चाहिए, बिल्ली जैसे। इसका मतलब है ठाकुर जी हम तो चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगा ना तब तक काम नहीं बन सकता, हम तो चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए मैया कोशिश कर रही थी बांधने के लिए, लेकिन बांध नहीं पाई, क्यों, अपना चेष्टा पर है, अपना चेष्टा पर कर रही थी, इसलिए वो तो अनंत असीम, उनको कौन बांध सकता है। लेकिन जब उसने शरणागत हो गई, बोले ठाकुर जी सवेरे से शाम तक हो गया, लेकिन ये बच्चा को मैं बांध नहीं पा रहा हूँ, मेरे कोख से जन्म लिया, इसलिए तू मेरे लाज बचाओ। जब ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए ना, बस काम बन गया, ठाकुर को बांध दिया। इसलिए हमें चेष्टा करना पड़ेगा, लेकिन वो चेष्टा शरणागत युक्त हो करके चेष्टा होगा तो भगवान हमें प्रेम में, भगवान बंधनों को स्वीकार करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अभी मैया ने कान्हा को बांध दिए, बोले सवेरे से शाम तक तेरे पीछे पीछे घर का काम सब बंद हो गया, तुम यहीं पर पड़े रहो, मैं घर का काम करती हूँ। इतने में कृष्ण का सखा लोग आ गए, बोले लाला तेरे को मैया बांध दिए, बोले हाँ, बोले अभी हम खोलते हैं। कोशिश किया खोलने के लिए, लेकिन खोल नहीं सके, बोले क्यों, वो प्रेम का बंधन, बात्सल रस सख रस से एक ऊंचा रस है, इसलिए खोल नहीं पाए। इतने में कृष्ण देखा दूर में जमलार्जुन दो वृक्ष, ये कुबेर का ये दो संतान थे, नल कुबेर मुनिगिरी,
एक दिन स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल में विहार कर रहे थे। जब नारद उधर से नारद जी गुजर रहे थे, लेकिन जो स्त्रियां थी ना वो तो झट खड़े होकर कपड़ा पहन ली, लेकिन जो नल कुबेर और मुनिगृह थे ना, नारद जी को तो बड़े आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। बोले बाबा तेरे कोई तमीज नहीं और कोई रास्ता नहीं था और इधर ऐसे ही आ गया हमारे रंग में भंग करने के लिए। नारद जी ने देखा कहाँ स्वर्ग के देवता के बच्चे और नंगे होकर के जल विहार कर रहे हैं, कोई संत आ गए तो कोई आदर नहीं बल्कि अनादर पूर्वक देख रहे हैं। इतने में नारद जी अभिशाप दिए, वृक्ष जैसे नंगे रहते हैं तुम दोनों को वृक्ष जन्म हो, और धीरे धीरे प्यार से वृक्ष जन्म वृक्ष होने लग गई, सारे नशा उतर गई। फिर तक खड़े आ करके प्रणाम करके माफी मांगे, बोले उद्धार कैसे होगा, बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे तभी तुम्हारी उद्धार होगा। इतने में उन्होंने देखा दोनों वृक्षों को देखा, देख करके कृष्ण ने सखाओं को बोले सखाओं पीछे से उखल को धक्का मारो। अब जब धक्का मारे धीरे धीरे कृष्ण जा करके दोनों वृक्षों को बीच में होकर जब कृष्ण चले गए, अब ये उखल अटक गया दोनों वृक्ष से। अटकते ही इतने में दोनों वृक्ष धड़ांग करके दोनों वृक्ष गिरे और वहाँ से नाल कुबेर और मुनिगृह प्रकट हुए, भगवान को परिक्रमा करते हुए चले गए। इतने में श्री नंद बाबा आए, देखा लाला बीच में फंसा हुआ, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता ना लाला तो खत्म हो जाता। इतने में नंद बाबा आकर के जल्दी जल्दी उन्होंने बांध जो बंधा हुआ था खोल दिए और एक पकेट से एक लड्डू निकाल करके दिए। बोले बेटा बांधा किसी ने, बोले माँ, बोले खोला किसी ने, बोले बाबा, बोले किसको पास में रहोगे, खुद तो मैया मैया करते हो अभी किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को पास में रहूँगा, माँ को पास में नहीं जाऊँगा, माँ मेरे को मारती रहती हैं। इतने में मैया जसोदा आ गई, नंद बाबा तो मैया को बड़ी डांट लगाई, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ बात नहीं, कितने कष्ट से एक लाला मिला, कितने तपस्या करके और तू उखल में बांध दी एक दो मटकी के पीछे। भगवान का कृपा से वृक्ष दोनों दोनों तरफ में गिर गए, थोड़ा इधर उधर होता तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता, लगता है तेरे मटकी में दूध दही में आसक्ति लाला में नहीं, अभी तू इसको लेकर रहा कर, मैं दोनों लाला को कृष्ण बलराम को लेकर मैं जा रहा हूँ तीर्थ घूमने के लिए। मैया इतने दुखी हो गए, रोने लग गई, अपना हाथ को गाली दी, इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, आज इन्हीं हाथों से लाला को कैसे बांध दिया। अभी मैया जाकर घर में बैठ कर के रो रही हैं। नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में गए और धारसन दूध में मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को खिला दी, और जब शाम को आए ना दोनों में लड़ाई हो गई, नंद जसोदा दोनों में लड़ाई हो गई। अभी मैया एक कोने में बैठ करके रो रही हैं, नंद बाबा एक कोने में बैठे हुए कृष्ण बलराम को गोद में लेकर, लड़ाई होगी घर में, अभी बीच में कोई व्यक्ति हो ना लड़ाई को फिर वही खत्म कर सकती है। बोले कौन है बीच में, बोले बलदेव प्रभु का माँ ये रोहिणी, यही झगड़ा को समाप्त कर सकती है। बोले ये झगड़ा समाप्त कैसे होगा, बोले अगर कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर के मैया की गोद में छोड़ दे लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतने में दाऊ भैया को बोले दाऊ जा कान्हा को लेकर के पिता माँ की गोद में छोड़ दे। जब उन्होंने गए बोले दाऊ भैया चलो माँ की गोद में चलो, जब उनको पकड़े ना कृष्ण बड़े क्रोध में थे, एक झटका मारे तो वहीं पर बलदेव प्रभु वहीं पर गिर पड़े। इतने में मैया रोहिणी बोली बोले लाला माँ के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं माँ मेरे को मारती रहती हैं, बाबा मेरे को ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ के पास में नहीं जाऊँगा बाबा के पास में रहा करूँगा। बोले दूध तो बाबा के पास में मिलेगा नहीं, दूध तो माँ के पास में मिलेगा, फिर दूध कहाँ से पियोगे, बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले किसकी गोद में सोओगे, बोले बाबा की गोद में सोऊंगो, क्योंकि कृष्ण का एक आदर था माँ की गोद के बगैर कृष्ण को नींद नहीं आती थी। बोले किसकी गोद में सोओगे, बोले बाबा की गोद में सोऊंगा। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले दाऊ भैया को साथ में, बोले मैया को पास में, बोले नहीं जाऊंगा मैया मेरे को मारती रहती है। बोले अगर नहीं जाओगे मैया अगर ऐसे हो गई, मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी, हे जब बोले मैया मर जाएगी कन्हैया को तो रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े होकर के माँ माँ मैया 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 कहते कहते सीधा माँ की जसोदा की गोद में लेट गए। और वहाँ जितने सब भक्त लोग थे ना ये लीला को देख करके सब के सब रो पड़े। कृष्ण ऐसे ही बचपन में बड़ी मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी लीला करते थे,
बोले श्री दाम बंधन भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन, एक भजन का गाओ तुम। जय जय श्री राधे श्याम। इसको हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, गाओ। बंसी वादन करेगा, बंसी बजा कर गाओगे। वाह वाह कलाकार है ये बच्चा। उधर घूम करके बैठा, इधर घूम जाओ। माइक वाले कहाँ गए? माइक वाले भैया, माइक वाले सामने आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट कर। इसके माइक का साउंड थोड़ा तेज कर दो। हरे कृष्णा, फटाफट कर। देखो तो माइक कैसे कैसे बज रहा है। हरे कृष्ण, और थोड़ा तेज कर दो। हाँ देखो ये जो बच्चा है ना, इधर इस तरफ में देखो। आपके कुछ कुछ लोगों का धारणा होता है, अरे सब बच्चे लिखा बड़ा कुछ नहीं करते हैं, वैसे तिलक कंठी मलाक लगा देते हैं। बच्चा तुम बताओ तो अभी कहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? माइक में बोलो, बोलो। मैंने बीटेक किया है आईआईटी कानपुर से, और अभी हम स्टार्टअप कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वहीं पर आईआईटी कानपुर। Yeah.
नाम सिमरो है, सदा तेरा नाम सुमिरो Thank you.
लड़की कुछ बोले। देखो ये लड़की है, ये लड़की आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगी। देखो इसलिए हम इन लोगों को खड़े कर रहा है क्योंकि आप लोगों के अंदर में कुछ उत्साह आए और सीखने के लिए आपका मन में भी कुछ उत्साह आए। देखो तुम बताओ तो तुम क्या करती हो? ये लड़की ये विदेश में अभी लॉकडाउन है ना, इसलिए वजह से भी घर में आई हुई, लेकिन ये विदेश में डॉक्टरी कर रही है यूक्रेन में, वहाँ पर रह रही और डॉक्टरी कर रही है। बोला ओम अज्ञान श्री राम से ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुर्मीलितं येन श्री गुरुवे नमः वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदेव श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्रीना प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी तथा मेरे भाई बंधु सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव का आदेश है कुछ बोलने के लिए। हम सब आजकल 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो हमारा ज़्यादातर हम साइंस पे बिलीव करते हैं कि साइंस ने जो बोला वो ठीक, साइंस ने अगर कुछ प्रूफ किया तो वो है, नहीं प्रूफ किया तो नहीं है। ऐसे आजकल साइंस इज अपकमिंग विद अ क्वेश्चन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कि साइंस आजकल सब जवाब उठा रहा है कि तुम लोग भक्ति करते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर क्या तुमने कभी भगवान को देखा? तुम मानते भी हो भगवान को? मैंने अपनी कंट्री में जहाँ मैं MBBS करी वहाँ मैंने देखा है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस में डगमगा जाते हैं कि आज हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम बोल देंगे कि नहीं हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान नहीं है। कुछ अच्छा हुआ तो हम मानते हैं भगवान है। वहाँ मैंने देखा है लोग रोडों पर रोक रोक के वो अपने जो बाइबल है उनको पब्लिश करते हैं। हमें भी बहुत बार रोका उन्होंने कि तुम इंडिया से आए हो तो ये बेशक इंडिया के लोगों को समझते कि इनकी भगवान में आस्था है ही नहीं, इनको थोड़ा सा कुछ बोलो कि अपनी गीता रामायण छोड़ो, हमारे बाइबल में ये लिखा है इसको पढ़ो तो इससे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। बहुत मैंने वहाँ पर बहुत लोगों को देखा है कि जो वहाँ पर रोक के लोगों को ये समझाते कि हमारी बाइबल है, इन्होंने लिखी है, हमारे चर्च में आओ, संडे टू संडे वहाँ प्रेयर होती है, ये करो वो करो, बहुत सा देखा है मैंने।
तो एक बार जब मेरी इंटरेक्शन हुई किसी से तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमने कंठी पहनी हुई है, तुम इंडिया से आए हो, तुम्हारे बाइबल को क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे गॉड, तुम अपने मतलब तुम अपने भगवान को प्रूफ करने के लिए क्या क्या बता सकते हो। तो वहाँ पर जैसे गुरुदेव समझाते हैं कि न्यूटन का नाम हम सब ने सुना है, द साइंटिस्ट न्यूटन हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन के जो साथ उसके कोलीग्स काम करते थे वो भी नहीं मानते थे भगवान को। न्यूटन उन्हें समझाता था बहुत बार कि ये जो सृष्टि है ये किसी भगवान के उससे चल रही है, ये सनसेट होता है सनराइज होता है अपने प्रॉपर टाइम पे। तो उसके दोस्त भी ये बोलते कि तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया, तुम किन चीज़ों में मान रहे हो। तो न्यूटन ने बहुत समझाया लेकिन उसके जब दोस्त नहीं माने तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आज तुम रात को मेरे घर डिनर पे आना। तो उसने दोस्तों के आने से पहले एक सोलर सिस्टम का सिस्टमैटिक मॉडल अरेंज किया, सन मून अर्थ पूरा परफेक्टली उसने अरेंज किया। तो जब उसके दोस्त आए वो देख के शॉक हो गए कि वाह तुमने इतना मिसमराइजिंग इतना ब्यूटीफुल डायग्राम भी किसने बनाया है जो है एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन बोलते हैं किसी ने बनाया नहीं है ऐसे ही बन गया। तो बोलते तुम पागल बिना किसी इनिशिएटिव के ऐसे कैसे बन सकते हैं। तो न्यूटन कहता है कि नहीं ये अपने आप बन गया। तो बोलते नहीं ये किसी ने तो बनाया होगा। तब न्यूटन उसे बोलते कि जब एक छोटा सा मॉडल बिना किसी के इनिशिएटिव के बन नहीं सकता तो जो पूरी पृथ्वी है जो अपने टाइम पे सूरज अपने टाइम से राइज होता है अपने टाइम से सेट होता है एक के बाद एक जो हमारे सीजन्स आते हैं वो प्रॉपरली आ रहे हैं तो वो कोई तो होगा उसके पीछे। बोलते चलो ये तो है लेकिन क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भगवान है। तो गुरुदेव अकबर की कथा सुनाते हैं कि अकबर और बीरबल, अकबर सबसे विद्वान उसका बीरबल था उसके सारे मंत्रियों में। तो बोलता बीरबल तुमने आज तक मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो बोलते महाराज पूछिए। तो कहता है क्या इस दुनिया में भगवान है और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो बोलता हाँ महाराज है। कह रहे नहीं तुम प्रूफ कैसे कर सकते हो कि हाँ भगवान है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ तुम इसको प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुम्हें नहीं प्रूफ करो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो बीरबल को विश्वास तो होता है लेकिन वो थोड़ा डर जाता है कि मैं प्रूफ कैसे करूं महाराज को क्या बताऊं कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो उसी टेंशन में घर आता है तो उसका बेटा उसे देखता है कि आज पिताजी थोड़े परेशान लग रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि पिताजी क्या बात है आज आप परेशान लग रहे हो। कह रहे नहीं बेटा कोई बात नहीं है तुम अपना खेलो काम करो मेरे पिताजी बताओ। तो वो बोलता है कि बेटा मुझसे अकबर ने ये प्रश्न पूछे कि क्या भगवान है अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो कह रहे पिताजी बस इतना छोटा सा सवाल, जब आपको उत्तर देने का समय हो तो आप मुझे ले चलना अपने साथ। तो कह रहे क्या तुम जवाब दे दोगे। तो कह रहे आप चिंता मत करो मुझे ले चलना। 2 दिन बाद जब उसका जवाब देने का टाइम आता है तो वो जाता बोलता अकबर पूछता है कि बीरबल क्या तुम मेरे प्रश्न के उत्तर लाए हो। तो बोलता महाराज आपने इतने सरल प्रश्न पूछा कि इसका उत्तर मैं क्या मेरा बेटा भी दे सकता है। तो बोलता अच्छा तो तुम ही बताओ। फिर उसका बेटा उसको बोलता है कि महाराज पहला प्रश्न आपका था कि क्या भगवान है। तो बोलता हाँ बताओ। तो बोलता 1 किलो दूध मंगवाओ। तो वो दूध मंगवाता है तो उसका बीरबल का बेटा राजा से प्रश्न करता है क्या इस दूध में घी है। तो बोलता हाँ है। तो बोलता कहाँ है। यार ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, पहले दूध को गर्म करो फिर उसे जमाओ फिर उसका मंथन करो उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन को जब तुम उबालोगे तब उसमें से घी निकलेगा। तो बीरबल का बेटा बोलता है कि जब इससे सिंपल से दूध में से घी निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है तो जब भगवान जिस भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ कहाँ जाके तपस्या करें वो भगवान के तुम ऐसे ही मिल जाएंगे। पहले तुम उसके लिए भी साधु संग, साधु संग के बाद तुम्हें विश्वास, उसके बाद कथा कीर्तन, कीर्तन से तुम्हारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह इनका विनाश होगा, फिर तुम्हारी भाव रुचि निष्ठा प्रेम यार तब जाके तुम्हें कहीं भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोलते चलो ये तो ठीक है लेकिन भगवान कर क्या रहे हैं। तो बीरबल का बेटा उसे बोलता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं जो प्रश्न करता है वो होता है स्टूडेंट, जो प्रश्न करता है वो होता है टीचर और जो आंसर करता है वो होता है स्टूडेंट। तो इस समय मैं आंसर दे रहा हूँ मैं टीचर और तुम प्रश्न कर रहे हो तुम स्टूडेंट, तुम नीचे आओ और मुझे ऊपर जाने दो। तो बोलता है कि ऐसे कैसे। तो बोलता है प्रश्न का उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोलता है हाँ वगैरह नीचे आओ। तो बीरबल राजा नीचे उतर के आता और बीरबल का बेटा राजा की गद्दी पर जाके बैठ जाता। तो बोलता है भगवान यही कर रहे हैं कि उन्होंने मिनटों में एक रंग को राजा और एक राजा को रंग बना दिया। उसी प्रकार हम सब भी हैं कि हम सब भगवान को कभी कभार मानते हैं नहीं मानते, हमारे बहुत जल्दी हम अपनी आस्था डिगा देते हैं, हम बोलते हैं नहीं भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का नाम इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यू क्या है। वो एक डॉक्टर होता है डॉक्टर की फैमिली, तो उस डॉक्टर के घर में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि वो उसकी भी भगवान से आस्था टूट जाती है, वो अपने परिवार को लेकर सेपरेट रहने लग जाते हैं। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो देखता है उनके घर के आगे से एक दिन डेड बॉडी जा रही होती है तो जो लोग होते हैं वो बोलते बोलते जा रहे होते हैं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो करते हैं बाकी हर कोई बात झूठी है।
तो वो बच्चा छोटा होता है वो घर में आके उसी बात को रिपीट करने लग जाता है कि राम नाम सत्य है, गोपाल का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, बाकी सब कोई बात झूठी। तो उसके पिताजी बोलते कि बेटा ऐसे नहीं बोलते। तो कह रहे पिताजी क्यों? तो कह रहे नहीं बेटा नहीं बोलते। कह रहे पिताजी क्यों नहीं बोलते? तो कह रहे बेटा जब कोई इंसान मर जाता है ना तब उसको ऐसे बोलते हुए जा रहे। तो बोलता है पिताजी मैंने देखा अभी बाहर की सब लोग यही बोलते हुए जाते। कह रहे हाँ बेटा वो इंसान मर गया था। कह रहे पिताजी मैंने देखा कि जितने भी इंसान ले जा रहे थे वो तो सब बोल रहे थे बात को, लेकिन जो लेटा हुआ था वैसे वही नहीं बोल पा रहा था। तो वो बताता है कि बेटा जो वो मर गया था इंसान। तो वो बेटा अपने पिता से प्रश्न करता है क्या पिताजी इसका मतलब क्या हम सब भी मरे हुए, क्योंकि हम भी तो नाम नहीं ले रहे भगवान का, हम भी तो नहीं ठाकुर जी का नाम ले रहे। तो गुरुदेव बताते कि अगर हम इस मानव शरीर को लेकर के ठाकुर जी का नाम नहीं लेते तो हमारे ये मनुष्य जन व्यर्थ। हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरंथ। इस मनुष्य जन्म को पाकर सदगति हमारी सिर्फ ठाकुर जी के नाम से ही हो सकती, वरना नहीं हो सकती। हरे गिरिराज महाराज की। इसलिए आज हम लोग श्री गिरिराज उत्सव मनाएंगे और भागवत कथा में गिरिराज पूजा की बड़ा महत्व है। इसलिए देखो इस छोटे छोटे बच्चों को हम इसलिए खड़े करते हैं, ये आप लोगों का भी हौसला इससे बढ़े। ये मत समझो जो अनपढ़ है गवार लोग हैं वही सभी इसे भक्ति भक्ति करते हैं, नहीं। अब सुना ना लड़की को विदेश में रहकर डॉक्टर भी कर रहा है, अब देखो कैसा हरी कथा बोल रहे थे। लेकिन हम लोग इसको पूछो, हम लोग हिंदू नाम से सब क्रिश्चियन से भी गया रहता है, क्रिश्चियन भी अपना ग्रंथों के बारे में कुछ जानता होगा। हम मुसलमान तो कुरान बोलते हैं, हम हिंदू बच्चों को पूछो गीता का कोई श्लोक बोल दो, कोई बोलेगा? सारे अंट संट इधर उधर का सब बात याद कर रखेंगे, लेकिन अपना ग्रंथों के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसलिए आप लोग भी भगवान की भक्ति करो, भजन करो और अपना बच्चों को अंदर में भी अच्छे संस्कार डालो, जिससे बच्चे भी भगवान की भक्ति करें। जिस घर में बच्चे प्रभु का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो घर ही भगवान का धाम हो जाता है, वो घर ही भगवान की धाम बन जाता है। इसलिए आप लोग सब भजन करो और सुख में रहो। क्या बोलो राधा रानी? हाँ, ये एक छोटी सी कथा सुनाएगा आप, कैसे श्री राधा रानी कितने प्यारी है और राधा रानी कैसे भक्ति में घर उनका भक्ति करके राधा रानी कैसे भक्ति में रीझ जाते हैं, ये बरसाना की एक सही घटना है। बोलो बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री भगवान की महती कृपा से मानव जीवन का अपार अपार उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को, आप लोगों को श्री महाराज जी के चरणों में बैठ करके श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले श्री महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्री काशी नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ, आप सभी के हृदय में केली करते हुए श्री बाल मुकुंद लाल को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है, बरसाने की एक लीला है, वो मैंने पहले अभूतपूर्व बहुत बार बोली है, लेकिन गुरुदेव को वो इतनी प्यारी है और इतनी पसंद है कि वो बार बार कहते हैं, आज्ञा करते हैं यही बोलने के लिए। तो यथामति, यद्यपि उन्होंने ही पढ़ाया है यह मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी की जो उनकी जो बहू थी, वाइफ थी उनकी, वो तो एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन उनके तीन बेटे थे घर में और बेटों की तीन बहुएं थी, वो सारे के सारे एक साथ रहते थे। सेठ जी के बच्चे तो थे पर उनको एक अंदर से एक मलाल था, अंदर से एक बहुत ज्यादा उनका दिल जो है वो दुखी रहता था कि उनके यहाँ कोई बेटी नहीं है। अब उनके यहाँ कोई बेटी नहीं है तो वो बहुत बहुत दुखी रहते थे। एक बार क्या हुआ, कोई संत उनके यहाँ आए और जब संत आ गए तो अब संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय अपार होता है। जब संत आ जाते हैं ना तो महाराज सारे के सारे अमंगल स्वतः नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थ है तीर्थेशु पावनम, श्रीपाद भगीरथ कह रहे हैं ये, संत जो है तीर्थ को भी पावन कर देता है। तीर्थ में तीर्थ तो कहां से आता है, जब संत पधारते थे। जब संत पधारते हैं तो तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है, वरना हम सब लोग तो
तीर्थों में जाकर के भी अन्य अन्य प्रकार के पाप करते हैं, हम अपने पाप वहां छोड़ देते हैं तो तीर्थों के अंदर पाप प्रवेश कर देते हैं। लेकिन तीर्थ का पाप कैसे जाता है? जब संतों के चरण वहां तीर्थ पे पड़ते हैं, तो इस कारण से तीर्थ तीर्थेषु पावन, इसीलिए संत जहां पे भी चल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, मेरे मन में तो यो ही पड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, अरे बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे, घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। तो वो संत पधारे उनके घर में, उन्होंने सेठ जी से कहा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही ना तेरा धासुता काहे रहत उदास। वो बोला मेरे यहाँ बच्ची नहीं है। बोले तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अरे तुम तो बरसाना के वासी हो, श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। तो संत कृपा करके चले गए। अब तो उन्होंने राधा रानी का बहुत सुंदर चित्रपट मंगवाया और अपने कमरे में सुशोभित किया। नित्य प्रति जब वह दुकान से आता तो आने के बाद जब भोजन लगता तो पहले श्री राधा रानी को ऑफर करता हो और प्यार से कहता, बेटी आप पहले पाओ उसके बाद मैं पाऊंगा। तो इस तरीके से ऐसे ही दिनचर्या होती गई। वो नित्य प्रति श्री राधा रानी की परम उपासना करने लग गया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उनके गांव में उनके घर के बाहर एक मनिहारन आई चूड़ी बेचने वाली। उस मनिहारन का एक नियम था कि वह चूड़ी तो पहना देती थी घर में, सेठ जी के घर में तीनों बहुओं को, लेकिन जो मजदूरी लेती थी पैसा, वो सेठ जी के पास दुकान पे जाकर के लेती थी। अब क्या हुआ, उसने वो आई घर में और उसने कहा चूड़ी पहन लो, तो पहले बड़ी बहू को पहनाई, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को, लेकिन ये क्या, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा हाथ आगे आया। उसने कहा मुझे भी तो चूड़ी पहना दो। तो मनिहारन सोचने लगी कि पहले तो तीन को ही पहनाती थी, अभी चौथी कहाँ से आ गई। तो उसने कहा मुझे क्या भाई, चौथी आई होगी इनके यहाँ कोई। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको पहना दी। पहनाने के बाद वो चली गई सेठ जी के पास दुकान पे। तो जाकर के सेठ जी से कहा कि लाओ मजदूरी दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि काय की। तो बोले चूड़ी पहन, अच्छा अच्छा ठीक है ले। तो बोले आज चार की मजदूरी लूंगी। बोली चार की क्यों? बोले इसलिए क्योंकि चार लोगों ने चूड़ी पहनी है। तो सेठ जी चक्कर में पड़ गए, बोले हमारे यहाँ चौथा तो कोई है ही नहीं, तीन ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले कि तू झूठ बोल रही है, देख अगर तुझको ज्यादा पैसे चाहिए तो तू मुझसे वैसे ही ले ले, पर झूठ मत बोल। तो उसने कहा सेठ जी तूने समझ क्या रखा है मुझे, मैं कोई लालची हूँ? जब चार लोगों ने चूड़ी पहनी है तो चार ही तो बोलूंगी। तो सेठ जी ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, पहले घर पे पता करूंगा। बोले ठीक है जैसी तेरी मर्जी। शाम को सेठ जी घर गए और घर जाकर के सब लोग एक साथ बैठे, पूछा बहुओं से, भैया आज तुमने चूड़ियां पहनी थी? तो बहू बोली हाँ हाँ चूड़ी पहनी थी। तो बोले कितने लोगों ने पहनी थी? बोले केवल तीन लोगों ने, हम तो तीन ही हैं। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद प्रसाद आया, भोग आया, आकर के राधा रानी को फिर सेठ जी ने ऑफर किया और प्रसाद पाकर के सो गए। सोने के बाद सपने में साक्षात श्री भानु नंदिनी श्री राधा रानी उस सेठ जी के सपने में आई और सपने में क्या बोली, सपने में प्रकट हो वृष भानु की दुलारी, बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। अरे बेटी तो बना लिया पर नाता नहीं निभा पाया। सेठ जी चक्कर में पड़ गया, क्या बात हो गई, राधा रानी क्या बात हो गई, बेटी क्या बात हो गई। तो राधा रानी ने कहा चूड़ी पहन लीनी मैंने, जान पितु गेह काले, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने अपने पिता का घर समझ करके चूड़ी पहन ली, पर तूने उस मनिहार आपने उस मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया,
ओ सेठ चक्कर में पड़ गया बिल्कुल और इतना लज्जित हुआ, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो राधा रानी, क्षमा कर दो मैं भूल गया। भूल गए तीन बहु याद, तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही। तीन बहुएं तो याद रह गई पर बेटी याद नहीं रही। कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है। राधा रानी रोने लग गई जोर जोर से। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज चार चूड़ी काल मोही बिसरायो है। आज तो चार चूड़ियों को भूल गया, कल तो तू मुझे वैसे ही भूल जाएगा। सेठ जी को नींद नहीं आई, बार 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 सोच में पड़ गए, रोते रहे रोते रहे। श्री राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद सेठ जी ने सुबह सुबह बहुत जल्दी उठे, फटाफट स्नान किया और कुर्ता अपने कुर्ता और अपने वस्त्र पहने और भागा मनिहारिन की गली के पास। सामने से मनिहारिन ने देखा सेठ जी को। मनिहारिन सोची ये सेठ सुबह सुबह क्या करने आ रहा है। जाते ही सेठ जी मनिहारिन के चरणों में पड़ गया। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। मनिहारिन तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं मैं, क्यों ऐसी क्या बात हो गई। चूड़ी पहन लई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे जिस कर की छाया पाने के लिए, जिस हाथ का स्पर्श पाने के लिए, जिस हाथ की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा रुद्र सनकादिक नारद भृगु अंगिरा मेधातिथि देवऋषि चवन अचित विप्पलायन भरद्वाज विष्णुनेमी बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगेंद्र मुनिंद्र जब कतार में खड़े होते हैं जिसकी कृपा पाने के लिए, तब भी उनको वो कृपा प्राप्त नहीं होती। और तो और छोड़ो, अरे श्री गोविंद जिनकी कृपा पाने के लिए उनके चरणों में रहते हैं राधा रानी के, उस कर का स्पर्श, तूने उस कर का स्पर्श किया और उसको चूड़ी पहना दी, कितना बड़ा भाग्य है तेरा। मनिहारिन ने ये सुना कि वो क्या साक्षात राधा रानी थी। मनिहारिन सोच में पड़ गई, जोर जोर से मनिहारिन बोलने लग, रोने लग गई। तो सेठ जी उसकी मजदूरी देने लग रहे, उस मनिहारिन ने मना कर दिया। अरे अब तो अब मोहि मिलियो अमोल धन, तो अब काहे को मोल रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधा रानी वो मनिहारिन भी सोच में पड़ गई, रोने लग गई कि मेरा सौभाग्य है, अब तो मैं और दूसरे धन को लेकर के क्या करूंगी जब मुझे अनमोल धन प्राप्त हो गया। ये बरसाने की सच्ची घटना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम करता हूँ। गुरुदेव को ये लीला इतनी प्रिय है, ये सच्ची लीला है, कोई मनगढ़ंत बनाई हुई लीला नहीं है, ये सच्ची लीला बरसाने की है। वहां तो श्री जी का, ये वो तो श्री जी का ही गाँव है, वहाँ पे तो ऐसी ऐसी लीला चलती रहती है रोज रोज। गुरुदेव को ये लीला प्यारी थी, सोई सुना दी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे कोई जय कोई है बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, जो जितने जयकार देगा गिरिराज की उतना ही आपका जयकार होगी, इसलिए और एक बार जोर से बोलो, श्री गिरिराज बाबा की, श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। आज हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की हम कथा सुनेंगे। कहते जी गिरिराज गोवर्धन है क्या चीज, बोले ये गिरिराज कोई पर्वत नहीं है। एक समय गोलक वृंदावन में श्री श्याम सुंदर राधा रानी से बोले, बोले राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तू चलोगी। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां पर नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे, ये गोलक वृंदावन में जो कुछ तुम देख रहे हो
जब मैं मरते जगत में पधारूंगा पूरा ये गोलोक वृंदावन को मैं उतार लूंगा, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, साथ में मेरे पिता माता जाएंगे, तेरे साथ में तेरे सखियां पिता माता सब चलेंगे। राधा रानी बोले ठीक है फिर मैं चलूंगा। इसका मतलब है जो गिरिराज गोवर्धन, कोई गए हो गिरिराज की परिक्रमा? कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये गोलोक वृंदावन से ही ये आए हैं। हैं कहते ये गिरिराज गोवर्धन है कौन? बोले इनका तीन रूप है, एक रूप है एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ने कठोर तपस्या की बांके बिहारी को। जब प्रसन्न हुए बोले क्या चाहते हो, क्या मेरे सखा सखी बनोगे? बोले नहीं नहीं हम इतने सौभाग्य नहीं किया। बोले कोई पशु पक्षी बनोगे ब्रज में? बोले नहीं हम इतना भाग्य नहीं किया। बोले फिर, बोले अगर ब्रज में हमारी पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, पर्वत रूप में जन्म हो, आप हमारे सर के ऊपर लीला करें, आपका चरण स्पर्श से ही अपना जीवन को हम धन्य मानेंगे। देखो ब्रज का कितना महत्व है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी अब बरसाना गए ना, ये बरसाना नहीं ये स्वयं ब्रह्मा जी है, नंदगांव गए होंगे, अब ऊपर जा करके देखना वो श्री नंदीश्वर महादेव, ये सभी भोले बाबा है। और जो गिरिराज गोवर्धन है ये भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज उद्धारण किया, इसलिए इनका एक रूप। कहते इनका दूसरा रूप क्या है? बोले ये स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण किए। एक रूप में तो उन्होंने पूजा करवाई और दूसरे रूप में उन्होंने श्री गिरिराज की उन्होंने रूप धारण किया है, इसलिए ये स्वयं कृष्ण। बोले तीसरा स्वरूप क्या है? राधा रानी कहती हैं हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमदम। कहते ये गिरिराज गोवर्धन भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण गैया गिरिराज में चराते हैं, वहीं पर सुंदर मीठी पिंडी पानी पीते हैं, झरना में स्नान करते हैं, फल फूल खाते हैं, वहाँ पर पंचामृत दूध दही सब कुछ गिरिराज से मिलता है, जिनकी कंदरा कंदरा में कुंज कुंज में भगवान वहाँ लीला करते हैं, इसलिए गिरिराज भगवान की सबसे बड़े भक्त श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए इनका नाम है गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या है? गिरि मतलब होता है पर्वत, गिरिराज मतलब जितने पर्वत में जो राजा, क्योंकि हर पर्वत का एक एक रूप है, ब्रह्माचल पर्वत मंदराचल पर्वत उनका एक एक रूप है, लेकिन गिरिराज पर्वत को नहीं, भगवान कृष्ण ये बांके बिहारी, और बांके बिहारी तो दुनिया का मालिक तो वही है, हैं, इसलिए गिरियों में सबसे राजा। और इनका नाम गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन कहते हैं ना, गोवर्धन मतलब क्या? गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब जो सेवा करती हैं उनको बढ़ाती हैं, इसलिए कृष्ण की हर तरह से ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए कहते एक समय श्री मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन बना रही थी, इतने में कृष्ण का उम्र हो गया 7 साल 2 महीना भी कृष्ण को हो गया, हर साल कृष्ण दर्शन करते हैं, लेकिन इस साल जब देखा मैया सारा रात बढ़िया बढ़िया खाना बना रही हैं, जा करके कृष्ण ने पूछा मैया मैया आज इतने बढ़िया बढ़िया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ ये चीज को क्यों बना रहे? कल क्या मेरे जन्मतिथि होगा? बोले नहीं लाला तेरे जन्मतिथि नहीं। बोले ताऊ भैया का? बोले नहीं। बोले फिर इतना क्यों बना रहे हो? बोले बाबा के पास में जा, पता है ना छोटा लाला छोटा सा किसी चीज में हाथ मार देगा खाने के लिए, बच्चों का स्वभाव होता है ना, अगर झूठा होएगा तो इंद्र पूजा नहीं होगा। बोले बाबा के पास में चले जा, बाबा से पूछो। अभी कृष्ण गए बाबा का गोद में बैठ कर दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ ये किसके लिए बना रही? बोले लाला हम लोग ग्वाला है, हमारा जो मूल धन ये गाभी और जो इंद्र स्वर्ग का राजा इनके अधीन में ये मेघ रहता है, और उनको आदेश पर बारिश होने पर बारिश से घास उगता, गैया घास खाते, गैया घास खाने पर दूध देते, फिर वो दूध से दही मलाई मिठाई जो कुछ बनता दूध से बनता, ये दूध ही हमारा मूल आहार है। पहले जो गुजर लोग भी पहले लोग क्या करते थे, सबके सब घर में गई पालते थे, गैया का दूध मट्ठा दही से ही प्योर प्योर चीज मिलता था, उससे ही रोटी सब्जी उसी से ही सब कुछ खाते थे, प्योर दूध दही से सब खाते थे, इसलिए पहले हर घर घर में क्या होता था गैया पालते थे,
घर को घर में घुसते ही पहले गया, लेकिन अभी देखो घर में घुसते ही कुत्ते कुत्ते, और घर को सामने लिखा हुआ था कुत्ते से सावधान। घर में कौन रह रहे सबके सब हैं? इसलिए गैया पालना छोड़ करके गैया में 33 करोड़ देवता हैं। गैया की सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ती हैं, गैया की सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ती हैं। गो सेवा से ठाकुर स्वयं सेवा किया, इसलिए उनका नाम गोपाल। गोपाल मतलब क्या? जो गैया को जो पालन करने वाले, क्यों? उनका शरीर में 33 करोड़ देवता, जितने बीमारी है ना ये गोबर से। अभी साइंटिस्ट लोग अभी जो कोरोना आई ना, कहते हैं अगर गोमूत्र कोई पान करेगा उसको कभी कोरोना नहीं होगी, कोरोना नहीं होगी उसको, हैं? घर का सारी बीमारी सही हो जाती थी, कोई बीमारी नहीं होता था। जिसको हाई प्रेशर है, जो गैया का शरीर में हाथ से उनको थोड़ा सहला कर घिसो, उसका शरीर में जो वाइब्रेशन है उससे ही हाई प्रेशर सही होती है। इसलिए लोग क्यों गैया सेवा करते थे? सारे बीमारी से दूर रहते थे, हेल्थ अच्छा रहता था, इसलिए भगवान ने स्वयं गैया सेवा की ठाकुर जी। इसलिए बोले हैं, इसलिए बोले ये गिरिराज हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं, नंद बाबा कह रहे हैं, इसलिए गैया घास से पलते हैं, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण का मन में जो इच्छा थी, कभी गिरिराज गोवर्धन की महिमा को दिखाना चाहते थे। बाबा ये गिरिराज कोई साधारण वस्तु नहीं, ये गोलोक वृंदावन से आए हैं, अगर हमारी कोई झोली भरेगा ये गिरिराज बाबा है। इसलिए हमारे बड़े गुरुजी कहते थे, जो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी कृष्ण बांके बिहारी उसको पीछे 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 पिछले बांके बिहारी चलते हैं। कहते जो कुछ गिरिराज परिक्रमा करते हुए मांग लो, इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब आप जो कुछ मांगो, गिरिराज गए ना आप लोग, देखना पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ होगा। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज के ऊपर में उतना मंजिल पत्थर रख करके आओ, गिरिराज उतना मंजिली मकान दे देते हैं। हम बड़ौते में कथा करते हैं, ये बड़ौते से हम एक साल पहले गए थे उसके घर में, उसका एक मंजिल साधारण घर था, लेकिन जब दूसरे साल गए ना उसका 3 मंजिली मकान। हमने कहा भैया एक साल में तुमने इतने पैसा कहाँ से लाया, 3 मंजिली मकान हो गया। उसने कहा एक बार मैं गिरिराज गया, परिक्रमा किया और उनको अभिषेक की, और गिरिराज के ऊपर 3 शिला मैंने चढ़ा करके, गिरिराज जी की शिला के ऊपर शिला रख करके आया, पता नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट लाभ हुआ, पता नहीं कैसे एक साल में ठाकुर जी इतने पैसा दिया, 3 मंजिली मकान खड़े कर दिया। इसलिए अब गिरिराज गए होंगे, देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंद करके आते हैं। बोले क्यों? कोई दूध की धारा से, कोई साष्टांग दंडवत। कहते गिरिराज से जो कुछ मांगो, ब्रजवासी और कोई देवता को पूजा नहीं करते, हम जो गुजर लोग, इनका देवता भी गिरिराज है, गिरिराज बाबा ही इनका देवता है, ये सबका देवता। क्यों? ये बांके बिहारी है, ये कृष्ण स्वयं, ये कोई पहाड़ नहीं है गिरिराज गोवर्धन। अभी अधिक महीना में जाओ लाख लाख लोगों को परिक्रमा करते हुए देखोगे, लाख लाख लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को जो गिरिराज गोवर्धन पूरी करते हैं। एक अन्न की दाना किसने भोग लगा दी, स्वयं कृष्ण कहते हैं, एक अन्न की दाना अगर किसने भोग लगा दिया तो किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। ये कृष्ण स्वयं ये बात को कहते हैं। इसलिए नंद बाबा ने कहा, कृष्ण ने कहा पिताजी हमारा जो ब्रज का देवता है ना, हमारा ब्रज की एक ही देवता श्री गिरिराज बाबा है, एक बार जयकार दो, बोले श्री गिरिराज बाबा की। देखो अकेला इसका ही आवाज पूरा दुनिया में गूंज रहा है, आप इतने हो सबका मिल करके एक नहीं हो रहा है, जोर से बोलो महाराज जी, कोई करो जय और कोई करो है। बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए अभी कृष्ण ने कहा पिताजी गिरिराज का देवता तो ये गिरिराज, हमारे ब्रज का देवता तो गिरिराज हैं, ये फल फूल हम कहाँ से खाते हैं? गिरिराज से। जो मेघ होता है ना वो आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि अभी जो गिरिराज देख रहे हो ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से ये गिरिराज धीरे 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 नीचे जा रहे हैं, लेकिन गिरिराज पहले 64 मील ऊंचाई थी, इसलिए इनका नाम गिरिराज, जैसे एवरेस्ट हिमालय है ना उससे भी ज्यादा ऊंचाई ये गिरिराज का था, इसलिए इनका नाम गिरिराज, गिरियों में जो राजा है श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कृष्ण ने कहा बाबा ये जो गिरिराज गोवर्धन झोली यही भरने वाले हैं, इनसे जो कुछ मांगोगे ना गिरिराज
सारी इच्छा को यही पूरी करेंगे। इसलिए बाबा अब ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, गैया की पूजा करो, ये हमारी देवता है, हैं। आप जो कुछ मांगोगे वहीं से मिलेगा। इसलिए कहते बाबा इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले आपने देखा इंद्र को खिचू लेते हुए? बोले नहीं। बोले जब हमारी गिरिराज की पूजा करोगे ये प्रकट होकर के दर्शन देंगे। जो इनसे मांगोगे ना गिरिराज सब इच्छा पूरी कर देंगे। और जो कुछ भोग लगाओगे बाबा अब इन्हीं आँखों से देखोगे ग्रहण करते हुए। नंद बाबा तो खुश हो गए, बोले लाला इन्हीं आँखों से देवता देखेंगे? बोले हाँ इन्हीं आँखों से देवता को देखोगे। बोले भैया फिर तो हम गिरिराज की पूजा करेंगे, जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं करेंगे श्री गिरिराज बाबा की हम पूजा करेंगे। पूरा ढिंडरा बजवा दिए और बोले गिरिराज सख्यात दर्शन देंगे। अभी जितने ब्रजवासी जो जो बना रहे थे ना, जो पूड़ी बना रहे थे 1 किलो, बोले 2 किलो की पूड़ी बनाएंगे गिरिराज के लिए। जो 2 किलो का जो सूजी के हलवा बना रहे थे, बोले हम 4 किलो बनवाएंगे। जो 4 किलो मिठाई मंगा रहे थे, बोले 8 किलो हम मिठाई मंगवाएंगे। सब गिरिराज गोवर्धन के लिए रात भर बढ़िया बढ़िया चकाचक भजन बनाए और ले करके सब के सब गिरिराज की तलहटी में आए। ब्रज में कितने गाँव हैं? बोले 365 गाँव। अभी भी देखोगे 365 सही तरली भरली ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगांव बरसाना गोवर्धन जाबट कोकिलावन। अभी भी जाओगे ना ब्रज में देखो 365 गांव अभी भी मिलेगा। अरे सारे गांव से सकट में भर भर करके लाए और इतना खाना लाए जैसे यहाँ पर बनाए ना, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया है। कृष्ण ने कहा देखो भैया लास्ट में झगड़ा होगा, अपना जो बर्तन अलग 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 रखो, ये गाँव नंदगांव ये बरसाना ये जाबट अलग, नहीं तो बाद में बर्तन लग कर झड़ाई करोगे, अलग अलग रखो। पूरा गिरिराज भर गया पूरा खाने खाने में हैं। वहाँ पर तो 4 तरह का चावल लाए थे, एक मीठा चावल एक नमकीन चावल और एक मटर चावल, मटर और पनीर दे करके फिर फीकी चावल, 4 तरह का चावल, 5 तरह का दाल बनाए थे, अरहर की दाल उड़द की दाल मूँग की दाल मटर की दाल हैं 5 तरह दाल। और हलवा तो कितने तरह का बनाए, अब पराठा तो कितना तरह का बनाए कोई सीमा नहीं। इसलिए इसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? अन्नकूट मतलब होता है पर्वत, अन्न के पर्वत, पूरी के पर्वत, लुची के पर्वत, समोसा के पर्वत, सब पर्वत पर्वत आकार में इतना पूरा गिरिराज भर गया। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से गिरिराज को पंचामृत के द्वारा उन्होंने स्वयं स्नान कराया। गिरिराज गोवर्धन को स्नान करा के जो जितना वहाँ खाना लाए थे ना सबसे उन्होंने तुलसी पत्ता धर दिया। तुलसी पत्ता धर करके भगवान को हाथ धुलाए, आसन दिया, भगवान का आह्वान किया, बोले हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके ये सब चीज़ को ग्रहण करो। जब उन्होंने बुलाया सचमुच से गिरिराज स्वयं प्रकट हो गई। इतना विशाल रूप लेकर के प्रकट हुए गिरिराज, पूरा जैसे आकाश को स्पर्श कर रहे थे, सारा दुनिया देख रहे थे। गिरिराज बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जिसने एक अन्न की दाना मेरी सेवा में लगाई ये स्वयं कहते हैं ये गिरिराज, उसको घर में कभी अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी एक जन्म नहीं किसी जीवन में। और मेरे सेवा को जो अनादर करेगा जन्म जन्मांतर भिखारी होकर के भटकते रहेगा है। इसलिए कृष्ण ने दोनों हाथ को पसार पसार करके सब कुछ ग्रहण कर रहे थे, बोले प्रसार रहे थे, बोले आनो रे और लाओ और लाओ। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे ना, पहला जो गांव उसका नाम आनर गांव है, हैं उसका नाम आनर गांव। भगवान सब के सब ग्रहण कर रहे थे, मिनट में खा करके समाप्त कर दिया, बोले और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीबी है, आप इतने में ही संतुष्ट रहो हैं, इतने में खुश रहो। इतने में उन्होंने तालाब के तालाब पानी पी लिया। कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल, वो बेचारा ब्राह्मण, और ब्राह्मण थोड़ा खाने का थोड़ा तेज होते हैं। बोले कन्या अगले साल से तेरे गिरिराज की पूजा ही नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया? बोले ऐसे भूखे ठाकुर हमने कभी देखा ही नहीं है, एक किनका भी नहीं रखा, सबके सब हाँ चाट लिया सबके सब। जब हम इंद्र पूजा करते थे ना जो सूखा प्रसाद होता था 15-20 महीना तक तो सूखा प्रसाद खाते थे, इतना बचता था। और ऐसे तेरा भूखे ठाकुर एक किनका भी नहीं रहेगा, सबके सब खा लिए, अगले साल से तेरे गिरिराज की पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा ऐसे मत कहा करो, अपराध होगा मेरे ठाकुर, ऐसे नहीं, आँख बंद करो। जब आँख बंद किया ना
गिरिराज जी फिर दोबारा हाथ को बुला दिया, घुमा दिया तो जो 2 किलो का सूजी की हलवा लाए थे ना वो 4 किलो हो गया, जो 2 किलो लड्डू लाए थे वो 4 किलो लड्डू हो गया, जो 5 किलो बनाया था चावल हो गया 10 किलो, जो जितना लाए थे ना सब डबल डबल हो गया। मतलब क्या है, भगवान की प्रसाद कभी कमी नहीं होता है। भगवान को जितने दो ना, सुदामा 2 मिट्टी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान को देने से कमी नहीं होता है, हर समय बढ़ता है ठाकुर को देने से। ब्रजवासी तो हैं, ब्रजवासी तो बोले भैया हम तो पहले हार गए। बोले क्यों, हमें पता ही नहीं था ये डबल डबल बन जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा बना करके ले आते हैं, डबल डबल हो जाता। इतने में कृष्ण ने कहा, बोले भैया चकाचक भोजन करो, चलो चकाचक भोजन करते करते श्री गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। देखो कृष्ण स्वयं परिक्रमा लगाए, आगे कौन चल रहे थे, सारे ब्राह्मण लोग चल रहे थे, संत लोग आगे चल रहे थे, उसको पीछे कौन चल रहे थे, जितने गैया सबके सब गैया भी परिक्रमा लगाए, उसको पीछे कौन, बोले ब्रजवासी पुरुषों लोग चल रहे थे, उसको पीछे जितने माताएं चल रही थी, और सबसे पीछे गोपियां और सबसे पीछे श्री राधा रानी। जब परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते जब थोड़ी दूर गए ना, इतने में राधा रानी सोच रही हैं, अगर कृष्ण अगर मेरे मन की बात समझते हैं फिर तो मैं समझूंगा मेरी प्रियतम है। क्या चाहती हैं, बोले मैं चाहता हूँ कृष्ण एक बार मेरे को दर्शन दे। अभी राधा कृष्ण दो थोड़ी है, वो एक ही है, वो लीला करने के लिए तो राधा कृष्ण हुए। अभी राधा रानी की मन की भावना कृष्ण समझ गए, अभी राधा रानी मेरे को दर्शन करना चाहती, राधा रानी पीछे कृष्ण बीच में, अभी दर्शन कैसे करेंगे। इतने में कृष्ण ने किया क्या, राधा जी को दर्शन देने के लिए अपना जो लपुट थी ना उन्होंने जोर से ऊपर से फेंका, फेंक करके उन्होंने लपुटी को जो पकड़ने के लिए गए, इतने में राधा जी की 2 आंख और कृष्ण के 2 आंख मिल करके 1 हो गया। राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई, श्याम सुंदर मेरे को दर्शन दिए। और थोड़ी दूर गए, अभी राधा रानी सोच रही हैं मैं चाहता हूँ कृष्ण थोड़ी सी मेरे को स्पर्श कर ले। हैं कृष्ण सोचे स्पर्श कैसे करूँ, पहले तो ऐसे नहीं था माताओं के अंदर पुरुष घुस जाए, पैसे तो ऐसे नहीं था, माताएं अलग और पुरुष अलग हैं। इतने में राधा रानी तो पीछे, कृष्ण तो बीच में चल रहे थे, कैसे मिलेंगे। उन्होंने एक बछड़े को क्या किया, उसको पूछ को पकड़ करके ना पीछे से उनको ऐंट दिया, आ ये बछड़ा तो फुदकते हुए एकदम पीछे पहुंच गया, और कृष्ण क्या किया एकदम सबसे पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर लिया, और राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई। ऐसे ही सबके सब गिरिराज गोवर्धन की, सारे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज की परिक्रमा गिरिराज की कर रहे थे। इसलिए अभी ऐसे ही कृष्णपुरा गिरिराज की परिक्रमा की, अभी हमारे डोरीलाल प्रभु जी आपके गिरिराज की सुंदर सुंदर आपको भजन सुनाएंगे, और गिरिराज की कीर्तन में जो नृत्य करेगा ना गिरिराज तुम्हारे सारे झोली भर देंगे, गिरिराज सब इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देंगे। और देखो कल है ये कथा का विश्राम, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इसलिए कथा की कल विश्राम है। कल भगवान की महारास होएगा, श्री भोले बाबा गोपी बन करके रासलीला दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर जी आएंगे, कल कृष्ण रुक्मिणी की कल शादी होएगी, और शादी में जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आते हैं ना आप लोग भी, सबसे बढ़िया शादी का समय के सारे कपड़ा निकालना है, अंदर में ट्रंक में सब खराब हो रहा है सब निकालना, और कल सबके सब आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हनी गोपी बना दो, सबके सब कल श्याम सुंदर की दुल्हनी बन करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, कल बड़े धूमधाम से भगवान की रास सुनेंगे, और कृष्ण कंस को कैसे मारते हैं उसकी कथा सुनेंगे, और नेमी नव जोगेंद्र संवाद सुनेंगे, और लास्ट में कृष्ण की रुक्मिणी की शादी होगी। हाँ कल सुदामा जी की अभी कथा होगी, अगर हो सके तो घर से थोड़ा थोड़ा ये लेकर खाना, चावल लेकर खाना है, क्योंकि उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाए ना त्रिभुवन का राज्य दे दिया। हाँ अगर कोई घर से साड़ी ला सकते हो, साड़ी भी ला कर ला सकते हो, अगर बढ़िया साड़ी लाओगे तो वृंदावन में हम राधा रानी को पहनाएंगे, अगर अच्छे साड़ी लाओगे ठीक है। और जो कल का कथा है ना ये सबसे महत्व है, कल जो व्यक्ति आधा कथा सुने, 2 दिन ही सुने, 3 दिन पूरी नहीं सुन पाए, कल की कथा को जो सुन लेगा उसको 7 दिन कथा सुनने का फल कल उसको प्राप्त होगा, इसलिए कल की जो कथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कथा है। अभी हमारे प्रभु जी आपको गिरिराज की महिमा सुनाएंगे। देखो भैया स्वामी संक्षेप है,
गिरिराजी के मैं दो ही भजन बोलूंगा, समझ रही होंगे सब, और दो ही कवित्त गाऊंगा। पहले कवित्त में देखो कैसे आनंद आ रहे हैं, कवित्त के बाद में भजन आरंभ करूंगा। समाज सब देवन के मुकुट मणि राजा श्री गिरिराज बाबा की, सब देवन के मुकुट मणि राजा श्री गिरिराज। सभी भक्तों से निवेदन, एक बार हाथ ऊपर करेंगे, बोले गिरिराज महाराज की जय। अब पहले ये भी है कवित्त सुन लियो, या कवित्त में भी यही बात है जो ठाकुर जी को भोग लगो है, संक्षेप में कवित्त है। और महाराज जी मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, देख देख के रबड़ी रख। और दूसरा जो कवित्त है वहां में भी यही बात है, वहां में ब्राह्मण के लिए विशेष करके बताया कि ऐसे गल तोड़ बेगु ब्राह्मण खाए। जय जय श्री राधे। तो पहला ये कविता, खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साही है, ओंकार मेवा की मथुरी में सूर पाक, मालपुआ रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। नाली के मुंह बन गया, रबड़ी के बिना तो मैं भी ना रह पाऊ। कल जने कहा गए हो तो वहां खीर भी आई, तो बोले खीर ले हो गए भरने के, ले लेंगे थोड़ी सी दे। फिर वागे बाद में बोले इनको रबड़ी दो, महाराज जी बोले रबड़ी दो, रबड़ी ब्रिजवासी आई मथुरा से, रबड़ी ले तुम्हें रबड़ी है का, बोले हाँ रबड़ी तुम्हें भी ठीक टाइम दे दी है, रबड़ी आम दो। भुजिया नमकीन से भी गाठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज महाराज की। आइए एक गोपी का भाव है, और जो भक्त नृत्य करना चाहे वो ठाकुर जी का दरबार खुला है। सब एक बार खड़े हो जाओ। नाय माने मेरो मन वसखी गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मन वसखी गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो जाओ 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 जा
ये अपने सही करें, मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग बोल हो जाते हैं अगर मैं चक्कर कर आधे के बाद में भी ना हारी, आधे के बाद
I'm gonna make it right.
गोवर्धन पूजा कर ले महाराज, एक छोटा सा हो जाए। और ये महाराज जी बहुत सुंदर भागवत कैसा गिर रहा है, आनंद रहा महाराज। संक्षेप में बोल देता हूँ जल्दी से, खस्ते की नींद पर दीवार चिनी पर फीकी, खस्ते की नींद पर दीवार चिनी पर फीकी, गुर्ज बालू साही काही कर बनाई, पूरी के पिछोना चारों कूट के बिछाई, लड़ुवन के गोला रसगुल्ला की तोप बनी, बड़े की रंजक सो खम्भन बसाए हैं, कहे अब राम कहे काल बलिहारी जाकी, कैसे गढ़ तोड़ बेगु ब्राह्मण बनाए हैं। यहाँ की दावत हो लो ब्राह्मण बहुत जल्दी बने, कैसे गढ़ तोड़ बेगु ब्राह्मण बनाए हैं। आइए गोवर्धन पूजा करते हैं सभी मिलकर के, चलेंगे राज महाराज जी गोवर्धन पूजा करे ले I'm gonna make it।
आरती गाओ प्यारे, तुम कर जा
Yeah!